नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? डाउटनेट की इस लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। तो भैया, आज की क्लास में हम पॉलिटी पढ़ेंगे, आपकी जो राजनीतिक विज्ञान है वो हम पढ़ेंगे। और आज जो है, हम एक बहुत ही प्यारे से चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है विधायिका, है ना। अब तक जो है हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, अगर हम पॉलिटी की बात करें, हम अपनी राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो कई सारे जो चैप्टर्स हैं वो हम पढ़ लिए हैं। और आज हम किसकी शुरुआत करेंगे? आज जो है हम विधायिका की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से आ जाइए, फटाफट से आके जो है इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, लाइव क्लास को जो है बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए बिना किसी देरी के। फटाफट से आ जाओ बेटा जी, फटाफट फटाफट से जो है इस क्लास को ज्वाइन कर लो जल्दी से। हेलो बेटा, हेलो, कैसे हो बेटा? जल्दी से ज्वाइन कर लो उसको, और जितना हो सके उतना जो है शेयर कर दो इस क्लास को, जितना हो सके उतना जो है शेयर कर दो। और एक इन्फॉर्मेशन और है कि जो क्लास है, ये जो सेम क्लास है, हमारे आर्ट्स वाले चैनल पे भी चल रही है। डाउटनेट आर्ट्स के नाम से जो चैनल खुला है उस पर भी जो है ये लाइव क्लास चल रही है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो बच्चे नए हैं, है ना, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया आर्ट्स वाले चैनल को, तो पहले उस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, है ना। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि जो आपको होमवर्क मिलता है, होमवर्क भी जो है आपको अटेम्प्ट करना है, है ना। दो बातें बोलूंगा मैं, जिन जिन बच्चों ने जो है आर्ट्स वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसको ज्वाइन कर लो और फिर यहाँ पे आके लेक्चर देख लेना, या फिर क्लास के बाद जो है उस चैनल को जो है जरा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है वहां पर हम क्लासेस लगने वाली हैं आपकी, नए नए टीचर्स भी आएंगे और भी जो है आपकी ज्यादा क्लासेस लगेंगी। तो एक बहुत ही हम्बल से रिक्वेस्ट है, उस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, उस पर जो है आपके सिर्फ आर्ट्स वाले ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, है ना। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और प्लस आपको होमवर्क भी करना है, होमवर्क का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तब तक के लिए जल्दी से आ जाओ और फटाफट से आके जो है इस क्लास को ज्वाइन कर लो जल्दी से बिना किसी देरी के, फटाफट फटाफट से जो है ज्वाइन कर लो। विधायिका बहुत ही प्यारा चैप्टर है हमारे राजनीतिक विज्ञान का, तो उसको जो है जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और सबको जो है क्या करना है भाई, सबको जो है सब्सक्राइब करना है, जो भी आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं उनको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों की बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि सर अलग ही चैनल खोल दो एक, है ना। यहाँ पर सब क्या हो रहा है, सब चीजें मिक्स हो रही है भाई, साइंस वाली, यहाँ पे मैथ्स भी पढ़ाई जा रही है, बायो भी पढ़ाई जा रही है, सब चीजें मिक्स हो गई है। तो आर्ट्स वाले के लिए हमने अलग से जो है चैनल बना दिया है, ठीक है। चले तो सारे बच्चे मेरे को थम्सअप दे दो, फटाफट से जल्दी से थम्सअप दे दो, और वैसे हम अपने पूरे चैप्टर को जो शुरू कर लेते हैं। आज इसका पार्ट वन है, भाग एक है इसका। आज मैं कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा, आज मैं आपको राज्यसभा के बारे में बताऊंगा, और आज जो है हम कई सारी चीजें जो है सीखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर को, बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। चलिए तो भाई, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं हमेशा क्या करता हूं भाई, चैप्टर के नाम पे जाता हूं, चैप्टर पूछ क्या रहा है। तो अब तक हम बात करें भैया, हम अपने पूरे संविधान की जानकारी ले रहे थे, हम अपने पूरे लोकतांत्रिक देश जो है उसको इसकी जानकारी ले रहे थे कि भैया राजनीतिक तौर पर जो है यहाँ पे हमारे देश में काम कैसे होता है ना। जैसे पहले वाले चैप्टर में हमने संविधान के बारे में जाना, है ना, संविधान के बारे में जाना, फिर हमने भाई जाना किसके बारे में भाई, फिर हमने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना, लाइक हमने इससे पहले वाले चैप्टर की बात करी, कार्यपालिका के बारे में बात की थी हमने, है ना, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की, जो हमारे कानूनों को इंप्लीमेंट करवाती है, जो कानूनों को लागू करवाती है। उससे पहले हमने प्रतिनिधित्व के बारे में बात की थी कि हम अपने जो आप बोल सकते हो प्रतिनिधि जो है उन्हें चुनते कैसे हैं, है ना। अलग अलग चुनाव के बारे में हमने बात की कि भैया राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसके बारे में हमने बात की। कौन कौन से जो निर्वाचन आयोग जो होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं, वहां से जो है लोग चुन के आते हैं, उन सबकी हमने बात की, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों की जो हम बात कर चुके हैं, अब बारी किसकी है भाई, अब बारी किसकी, अब बारी है भाई विधायिका की। अच्छा, विधायिका के बारे में जो हम पहले भी कई सारी चीजें पढ़ चुके हैं, मतलब बेसिक्स तो आपके बहुत पहले से ही क्लियर हो गए हैं, है ना। विधायिका की अगर हम बात करें तो काफी सारी जो चीजें हमने विधायिका के बारे में जान ली है, है ना। तो हमने बात करी कि भैया हमारी जो सरकार होती है उसके तीन जो है बहुत ही आप बोल सकते हो बहुत ही अभिन्न जो पिलर होते हैं, है ना, एक जो खंभे होते हैं, उनको हमने क्या नाम दिया था, उनको हमने नाम दिया था भैया हमारा विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, और फिर हमने कार्यपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और हमने उसे नाम दिया था जुडिशियली, जिसे हम हिंदी में न्यायपालिका बोलते हैं। हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा, हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा, भाई जो सरकार बनाती है और जो कानूनों को लागू करवाती है, है ना, उसे हमने कार्यपालिका बोले। कार्यपालिका मतलब जो कार जो जो भी कानून वगैरह बने हैं उसको पालन करवा रही है ना, उसको लागू करवा रही है, उसे हमने क्या बोल दिया, कार्यपालिका बोल दिया, है ना। अब हमने क्या बात जानेंगे, अब इस लेक्चर में, इस चैप्टर में हम जानेंगे विधायिका के बारे में, यानी कि जो कानून बनाता है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कानून मिलके जो है बनाता है, ठीक है ना। तो देखो, हर चीज जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर जो चीज है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और आपको जो है थोड़ा सा कनेक्ट करते रहना है। और जो जिन जिन बच्चों ने पिछले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, है ना। जिन बच्चों ने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, पढ़िएगा, क्योंकि एक एक चीज जो है जुड़ी हुई है। जब आपने पिछले लेक्चर ही नहीं देखे हैं तो ये वाला कैसे करोगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। चलिए तो ये हमने अब तक क्या पढ़ा भाई, हमने विधायिका के बारे में क्या जाना, विधायिका, अगर हम चैप्टर के नाम पर जाए विधायिका, है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे विधि, है ना, विधि एक शब्द आ रहा है बीच में, अगर हम तोड़ लें
मैं हमेशा बोलता हूं कि अभी कोई भी आपको शब्द समझ में ना आए उसे तोड़ लिया करो। विधि है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी विधि की बात हो रही है ना, यहाँ पे किसी विधि को बनाने की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी विधि को बनाया जा रहा है ना। विधेयक, विधेयक मतलब क्या होता है, विधेयक का मतलब होता है कानून। तो किसी विधि को जहां पे बनाया जा रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं, तो जो जो लोग जो है आप बोल सकते हो उन विधि को बना रहे हैं, है ना। तो ये सब जो मिलके एक क्या बनाते हैं, लेजिस्लेचर बनाते हैं, विधायिका बनाते हैं, जिसका मेन काम क्या होता है कि भैया जो आम जनता है जिसने आपको चुनकर भेजा है वो क्या करेगी भाई, वो जो है आपको उसके लिए जो है आपको कानून बनाने हैं, उसके भले के लिए जो आपको जो भी नियम कानून जो बनाने हैं वो काम किसका होगा, वो विधायिका का होगा, है ना। अब ये विधायिका जो है कोई छोटा मोटा चीज नहीं है कि आपने एकदम से पढ़ ली, विधायिका बहुत बड़ी है ना। अगर आप स्टार्टिंग से ध्यान दोगे तो सुनो, अब स्टार्टिंग से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपने क्या पढ़ा भाई, आपने एक शब्द शब्द सुना होगा संसद, है ना, आपने एक शब्द सुना होगा संसद, संसद है ना। ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, है ना, पार्लियामेंट बोलते हैं। यार ये तो सुना होगा संसद। अब इस पार्लियामेंट का काम क्या है, संसद का काम क्या है, क्या संसद है क्या। अब सिंपल से शब्दों में हम बात करें, संसद का मतलब क्या है, संसद मतलब एक ऐसी जगह जहां पर जो हमारे लिए, जो लोग हमारे लिए कानून बनाएंगे, जिन्हें हम चुनकर भेजेंगे, जो निर्वाचित लोग हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, वो कहां जाएंगे, वो इस संसद में जाके बैठेंगे और हमारे बिहाफ पे क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे, हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जो है कानून बनाएंगे। संसद की हम बात करें, संसद की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, संसद की भाई सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि भैया जो भी लोगों को, है ना, हमने चुना है, हमने डायरेक्टली चाहे प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, वो कहां बैठेंगे, वो इस संसद में बैठेंगे और वो इस पूरे देश को चलाएंगे, है ना। जैसे संसद की हम बात करें, हमारे देश में ऐसा पार्लियामेंट बोला जाता है ना। अगर हम बात करें बाहर की, जैसे रशिया की हम बात करें, उसमें ड्यूमा बोला जाता है ना। पहले जर्मन में रीचस्टैग बोला जाता था, अब बंडस्टैग बोला जाता है, अगर मैं जर्मनी की बात करूं, है ना। तो अलग अलग जगह पे जो है इसे अलग अलग नाम से जो जाना जाता है। हमारे भारत में से संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो संसद के कितने भाग थे याद करो, संसद के जो है दो भाग थे, है ना, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। इसके बारे में तो आपको पता होगा भैया, लोकसभा और राज्यसभा। अरे अब बात करूं मैं लोकसभा की, अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो सुनो यहां पे, लोकसभा और राज्यसभा अगर दोनों की हम बात करें तो इसको ना पहले क्या बोलते थे, इसे एक चीज और बताना चाहूंगा उसके पहले, उसके पहले बात बताऊंगा। देखो पहले लोकसभा और राज्यसभा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम जो है इसे हम लोअर हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस, और इसे हम अपर हाउस भी बोलते हैं, अपर हाउस इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, अपर हाउस लोअर हाउस, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस भी बोलते हैं। कोई डाउट है आपका जल्दी से बताओ, डोंट क्वेश्चन मी बेटा, ध्यान से पढ़ लो बेटा, बेटा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, क्या डाउट है बेटा। आयुषी आपके फादर बेटा जी, ये जो फालतू कॉमेंट से मत करो प्लीज, है ना, अभी जो है आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। है ना, तो बस यही है ना। तो देखो इसे लोअर हाउस बोलते हैं और इसे अपर हाउस बोलते हैं, उच्च सदन और निचला सदन, है ना। तो इन दोनों की हम बात करें तो इसको इस नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब एक आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर इसे जो है लोअर हाउस क्यों बोलते हैं भैया, ये तो लोकसभा है ना, ये तो भैया लोगों ने चुन के भेजा, तो ये तो अपर हाउस होना चाहिए, और ये जो राज्यसभा, ये तो भैया ये तो लोग जो है ये जो बाहर, ये जो विधानसभा के लोग हैं चुन के भेजते हैं। भैया राज्यसभा की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था, जो विधानसभा के लोग हैं वही तो चुन के भेज रहे हैं, है ना। तो ये अपर हाउस कैसे हो गया, मेन तो ये होना चाहिए ना लोकसभा, मतलब लोगों ने चुन के भेजा है, यहाँ पे जो एमपी वगैरह बैठे हैं ये तो लोगों ने चुन के भेजे हैं ना। तो इसको आपने लोअर हाउस कैसे बोल दिया, ऐसे निचला सदन क्यों बोल दिया आपने, तो उसका कारण है बेटा, अगर आप बात करोगे अपर हाउस की, है ना, अगर आप राज्यसभा की बात करोगे तो राज्यसभा में क्या है बेटा, राज्यसभा में जो मेंबर है अभी कितने हैं, 245 है, है ना। और जो 245 लोग जो है इनको जो है इनडायरेक्टली चुन के भेजा जाता है ना, मतलब ये थोड़े से सीनियर है ना, और इसमें प्लस 12 जो है नॉमिनेटेड लोग होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो चुने जाते हैं, जो है आर्ट्स में, साहित्य में, है ना, और ये जो विज्ञान में जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, समाज सेवा कुछ की है, तो उन वो मेंबर्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें काइंड ऑफ सीनियोरिटी वाली बात है ना, यहाँ पे जो लोग होते हैं काफी सीनियोरिटी वाले होते हैं, उनने कुछ ना कुछ अचीव किया होता है, इस वजह से क्या बोल दिया इसे, इस वजह से जो है अपर हाउस जो है बोल दिया गया है। और इसके जो लोग होते हैं वो किसके द्वारा चुन के आते हैं, राज्य के द्वारा चुन के आते हैं, यहाँ पे जो आम लोग हैं वो इसको नहीं चुनते, ठीक है ना। तो यही कारण है, थोड़ा सा सीनियोरिटी वाली बात है, बाकी ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं है, दोनों यही सेम है, दोनों की जो अपनी अपनी ताकतें हैं, दोनों जो है अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब एक चीज और है भाई, एक चीज और है बेटा, मेरी थोड़ी राइटिंग गंदी है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, शब्दों पर जाना, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब यहां पर क्या है बेटा, यहां पर जो है आप बोल सकते हो, अगर मैं बात करूं 1954 से पहले की, 1954 से पहले की अगर मैं बात करूं, तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा जैसे शब्द थे ही नहीं, है ना, पहले से क्या बोला जाता था, कोई डाउट है बेटा, कोई डाउट है बेटा, जल्दी से बताओ फटाफट से,
कोई डाउट है जल्दी से बोलो फटाफट से। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ आर्ट्स का चैनल का नाम क्या है बेटा? आर्ट्स का चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने बोला ना आर्ट्स का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बेटा हिस्ट्री का क्लास भी हो जाएगा सर, हिस्ट्री का क्लास, हाँ बेटा हिस्ट्री का क्लास भी होगा। आपको क्या करना, अभी तो जो चल रहा है ना उस पर ध्यान दो पहले, है ना? अभी आपके कमेंट्स वगैरह आते हैं तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता हूं मैं। सर हिस्ट्री, सर ज्योग्राफी भी हो, बेटा ज्योग्राफी की भी क्लास होगी है ना, ज्योग्राफी की भी होगी। ठीक है ना, चलिए। अच्छा यहां पे ऐसे 1954 से पहले से बोला जाता था लोगों का सदन, लोगों का सदन है ना, और इसको बोला जाता था राज्यों का परिषद, राज्यों का परिषद। तो जैसे मैं बात करूं ना लोकसभा और राज्यसभा, ये शब्द जो है 1954 से पहले इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, पहले बोला जाता था हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोगों का सदन, और यहां पे राज्यों का परिषद यानी कि स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जो है जाना जाता था। फिर 1954 के बाद जो है यहां पे क्या हुआ, यहां पर जो है बेटा इन शब्दों का लोकसभा और राज्यसभा का जो है इस्तेमाल होने लगा, है ना। तो इतनी आई होप आपको जो चीज है वो क्लियर हो गई होगी। ये बेसिक्स है, कुछ आपको बेसिक्स जो है पता होने चाहिए, ठीक है ना। ये जो कुछ बेसिक्स है ये आपको जो है बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और यहां पर थोड़ी सी एक चीज और देख लेते हैं। अगर हम बात करें हमारी पूरे संसद की हम बात करें तो इसको जो है भाग पांच में, भाग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके भाग पांच में जो है बताया गया है ना। आप देखोगे भाग पांच जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का भाग पांच जो है उसमें किसके बारे में बताया गया है, उसमें संसद के बारे में बताया गया है, उसमें संघ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? संघ के बारे में, है ना। संघ के बारे में बताया गया है उसमें, जो हमारा फेडरल सिस्टम है यानी कि एक पूरी संसद होगी और यहां पे जो है पूरी जो जैसे जैसे चीजें होंगी, एक संसद होगी, संसद में लोकसभा राज्यसभा, ये जो पूरे सदन है, सदन के बारे में, सदन कैसे चुना जाएगा, इन सब के बारे में कहां किसमें बताया गया है, जो पूरा जो संघात्मक प्रणाली है जो हमारी, जिसे हम क्या बोलते थे इसका, हम जिसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ही बोलते थे भाई, है ना, जिसको हम क्या बोलते थे भाई हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आपको सॉरी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना, उर्धात्मक प्रणाली से हम बोलते थे बेसिकली। तो उसमें था कि भैया सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये बेटा ये संघ जो है इसको कहां दर्शाया गया है, इसको जो है भाग पांच में जो है बताया गया है, ठीक है ना। अच्छा भाग पांच में कहां से कहां तक, तो आर्टिकल 79 से लेके 122 तक, आर्टिकल 79 से लेके 122 तक बताया गया है। अगर मैं बात करूं 79 की तो उसमें जो है संसद के बारे में बताया है, संसद के बारे में, है ना, संसद के बारे में जो इसमें बताया गया है। 79 की बात करूं, 80 की हम बात करें तो इसमें राज्यसभा के बारे में बताया गया है, है ना। 81 की हम बात करें इसमें लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो ये सब क्लियर है या नहीं है, है ना, ठीक है। लोकसभा के बारे में बताया, 82 की हम बात करें इसमें परिसीमन के बारे में बताया गया है, परिसीमन, है ना। इसका मतलब क्या होता है भैया कि जब जनगणना होगी हर 10 साल बाद क्या होगा, यहां पे राष्ट्रपति जी होंगे, मतलब ये देखेंगे कि कहीं जो है सीट बढ़ाने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं सब परिसीमन में आ जाती हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, और यहां पे जो है 85 में जो है, 85 में क्या बताया गया, 85 में जो है यहां पे समय अवधि के बारे में बताया गया, समय अवधि के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो, जल्दी से बताओ फटाफट से, और कोई डाउट है फटाफट से बताओ। सर जो यूपी को, बेटा यूपी को जो चला रहा है वो तो विधानसभा चला रही है ना, यूपी को, स्टेट को तो विधानसभा चला रही है ना, ठीक है ना। चलिए तो ये आपको क्लियर हुआ। देखो तो भाग पांच में हमें संघ प्रणाली के बारे में बताया गया है, कहां से कहां तक है, तो भैया ये आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक है। 79 की हम बात करें पूरी संसद को बताता है, संसद जो है मतलब हमारी संसद जो है कैसी होगी, है ना, संसद में क्या है हमारी लोकसभा राज्यसभा, है ना। और अगर मैं स्टेट की बात करूं, स्टेट में क्या है भाई, स्टेट में भी हमारी जो आप बोल सकते हो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, विधानसभा है और हमारे विधान परिषद है, विधान परिषद बोलते हैं इसे, स्टेट काउंसिल बोलते हैं इसे हम, है ना, विधान परिषद और विधानसभा है। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर हम बात करें संघ की तो ये क्या, ये कैसा है, बाइकैमरलिज्म है, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले। हमारा संघ जो है 79 लेके 122 आर्टिकल है भाई, 79 जो आर्टिकल है क्या बताता है, संसद के बारे में बताता है। जो 80 आर्टिकल है, आर्टिकल 80 क्या बताता है, राज्य के बारे में बताता है ना, राज्य में जो है क्या, राज्यसभा के बारे में बताता है। 81 में भाई किसके बारे में बताता है, लोकसभा के बारे में बताता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना। और हमारा 82 में जो आर्टिकल है वो किसके बारे में बताता है, परिसीमन के बारे में बताता है। और जो 83 जो आर्टिकल है वो किसके बारे में बताता है, बेसिकली वो समय अवधि के बारे में जो है बताता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ फटाफट से बताओ, इतने जो है इंपॉर्टेंट है ना, ये जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब इतना जो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो
अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो क्या बोल रहा है, यहाँ पे सारी जो चीजें मैंने बताई दी हैं वैसे कि उसमें कुछ बताने वाला आगे है नहीं। देखो लोकतांत्रिक देशों में जो विधायिका कानून बनाने वाला एक प्रमुख अंग है, तो भाई विधायिका का मेन काम क्या है, कानून बनाना। तो ये जो विधायिका जो होता है विधि, मैंने बताया ना विधेयक, विधेयक मतलब कानून, विधि, विधि से जो कोई भी चीज विधेयक बनती है मतलब विधि, पहले पूरा जो है विधि, हर चीज की विधि होती है ना, कोई भी आप अगर रेसिपी वगैरह तैयार करो, खाना वगैरह बना रहे हो, उसकी पूरी विधि होती है। तो यहाँ पे देश में भी कुछ अगर चीज लाई जा रही है आम जनता के लिए, उसकी भी एक विधि होगी, और जो विधि है बनाई कहाँ जाएगी, है ना, वो कहाँ बनाई जाएगी, वो संसद में बनाई जाएगी, है ना। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने विधायिका नाम दे दिया, विधायिका मतलब जो कानून बना रहा है ना, विधायिका मतलब जो विधि का पालन कर रहा है, कानून बना रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो विधायिका कानून बनाने का एक प्रमुख अंग है जो जनता का जो है प्रतिनिधित्व करता है। अब भाई ये जो अंग है बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जनता का प्रतिनिधित्व ही कर रहा है। अरे भैया जो संसद में बैठ के जो कानून बना रहे हैं तुम्हारे लिए, ये तुमने ही तो चुन के भेजे हैं, तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह संसदीय कार्य प्रणाली के अंतर्गत कार्य करता है, विधायिका दो स्तरों पर कार्य करता है। अब भैया हम बात करें, ये संसद जो है इसकी पूरी एक कार्य प्रणाली, एक पूरी एक कार्य प्रणाली होती है, मतलब एक पूरा तरीका होता है, एक पूरा सिस्टम होता है। तो इसको हम बात करें तो इसको हमने जो है दो स्तरों पर बांट दिया है ना, एक तो केंद्रीय संसद और दूसरा राज्य विधानसभा, है ना, राज्य विधानमंडल। यानी कि यहां पे किसकी बात करिए, यहां पे केंद्रीय संसद की बात करिए, यानी कि सेंट्रल लेवल की हम बात करें, केंद्र की हम बात करें तो यहां पे क्या भाई, केंद्र सरकार है भाई, है ना। केंद्र की बात करें यहां पे क्या, संसद है भाई, है ना। संसद क्या है भाई, संसद में कौन है भाई, लोकसभा राज्यसभा, यानी कि जो केंद्र सरकार को जिसने चुना है ना, उसमें क्या है, केंद्र सरकार कहां पे बैठेगी भाई, लोकसभा में भाई, वही तो वोट संसद में भी बैठती है ना, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें जो मेंबर हार गए हैं, जीत गए हैं, जिन्हें सीटें मिली हैं, वो सब कहां जाके बैठते हैं, संसद में बैठते हैं जाके। तो ये ना केंद्र स्तर पर क्या होता है भाई, संसद होती है ना। और राज्यों की हम बात करें, जैसे राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका पूरा जो मंत्रिमंडल होता है, और भी जो लोग होते हैं जो एमएलए बन के जाते हैं, वो क्या है, तो भैया वो आ जाते हैं राज्य विधानसभा में, है ना। इनकी क्या होती है, राज्य विधानसभा, ये क्या भाई, राष्ट्रीय स्तर की विधानसभा है, और आप बोल सकते हो ये राज्य स्तर की विधानसभा है, है ना। जो राष्ट्रीय स्तर की विधानसभा है उसे हमने क्या बोल दिया, उसे हमने संसद बोल दी, है ना। और संसद के क्या भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आज जो है हम राज्यसभा के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर हुआ इतना जल्दी से बताओ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा, संसद की हमें क्या आवश्यकता है, अब यहां पे मेन क्वेश्चन क्या आता है कि भैया देखो ठीक है संसद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें संसद की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत क्या है संसद की हमें, है ना। संसद के बिना काम चल सकता है, तो भैया संसद के बिना तो हम सोच ही नहीं सकते, एक लोकतांत्रिक देश को जो है हम बिना संसद के कैसे सोच सकते हैं, सोच के देखो, संसद नहीं है तो कानून नहीं बनेंगे, कानून नहीं बनेंगे तो यहां पे जिसके मन में जो आएगा वो करेगा, सोच के देखो कितने ज्यादा अपराध बढ़ जाएंगे। अरे भैया हम जो लोग डरते हैं वो किससे डरते हैं, कानून से डरते हैं, कल को तुम कुछ कर दोगे, चोरी वगैरह करोगे, किसी की हत्या कर दोगे, तो यहां पे क्या होगा, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आप पे सजा होगी, पूरा एक कानून बनाया गया है ना, जो हमारे संविधान में लिखा है, जो कानूनों की किताब है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन कल को ऐसा हो, संसद ही ना हो, तो ये कानून कौन बनाएगा, कंट्रोल कौन करेगा। अरे भैया मैंने बताया ना कि कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका होती है, आप सोच के देखो तीनों ही हट जाए तो हमारा देश कैसे चल पाएगा, कानून कौन बनाएगा, कानून को लागू कौन करवाएगा, और कानून अगर कुछ तोड़ता है तो उस पर एक्शन कौन लेगा। तो भैया हम बिना संसद के तो सोच ही नहीं सकते, बिना संसद के तो हम एक लोकतांत्रिक देश की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आई होप आपको इतनी जो चीजें वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संसद की हमें जो है निम्न कारणों से आवश्यकता है, किन किन कारणों से आवश्यकता है, तो देखो पहला क्या है, विधि निर्माण या कानून बनाना जो है विधानमंडल का एक प्रमुख कार्य, मतलब जो विधानमंडल का यहाँ पे मतलब क्या है, विधान यहाँ पे बेसिकली विधायिका की बात हो रही है, तो विधायिका जो होती है बेसिकली उसका मेन काम क्या होता है, उसका मेन काम होता है विधि निर्माण करना, विधि मतलब कानूनों का निर्माण करना, पहली चीज हो गई। यह देश के लिए जो है नए कानून को बनाता है और पुराने कानूनों में जो है संशोधन करता है। अब भैया किसी नए कानून की जरूरत है तो उस नए कानून को बनाएगा, जैसे एक कानून आया था राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, सूचना का अधिकार, है ना, ये एक्ट बन गया था बाद में, तो ये पहले नहीं था, 2005 से पहले नहीं था, लेकिन उसके बाद आ गया है। तो भैया कहीं ना कहीं सरकार को जरूरत लगी होगी। भैया सरकार क्या करती है, जो भैया लोग हैं, सरकार जो है जिन्होंने सरकार बनाई है ना, जिनके पास 51% सीटें हैं भैया, 51% शेयर है, जो अपनी बहुमत लेके बैठा हुआ है, वो क्या करता है, पूरा एक अपना एक पूरा ड्राफ्ट लाता है कि भैया एक पूरा चर्चा होनी चाहिए इस बिल पर, जो है चर्चा होनी चाहिए, फिर चर्चा होती है भैया, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, उसमें भी दो चीजें होती है, साधारण बहुमत होता है, एक स्पेशल बहुमत होता है, वो अलग है ना। तो ये सारी चीजें होती है, उसके बाद जाके प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे वो एक्ट बन पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो विधि निर्माण जो होती है बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे नए नए कानून बनते हैं जिनकी जरूरत है, और अगर पुराने कानूनों में कुछ कमी है, कुछ दिक्कत है, तो उसमें जो है कुछ संशोधन भी किए जाते हैं, संशोधन मतलब उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी किए जाएंगे, उसमें बदलाव भी किया जाएगा उनमें, ठीक है। चलिए वित्तीय कार्य की हम बात करें, वित्तीय मतलब पैसा, है ना, फाइनेंशियल, है ना, जितनी भी चीजें होती है फाइनेंशियल काम जो होते हैं, जो भी पैसे संबंधित है, देश को चलाने से संबंधित है, सरकारी खजाना जो है, जितना भी आप टैक्स वैक्स पे कर रहे हो कहां जा रहा है भाई, सरकार के पास जा रहा है ना। तो अगर हम बात करें विधानमंडल,
वित्तीय कार्यों का जो है देखभाल करता है, यानी कि जो हमारी विधायिका है वो वित्तीय कार्य जो भी हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, वित्तीय चीजें मतलब जो भी आप सरकार को दे रहे हो पैसा, है ना, उनकी देखभाल करता है ना, यह राष्ट्रीय खजाने की अभिरक्षक भी है। मतलब एक बात बोल सकते हो, जो भी सरकार वगैरह जो भी पैसा वगैरह आ रहा है सरकार पे, तो कहीं ना कहीं वो कहां जा रहा है, वो खजाने में जा रहा है भाई, वो जो जनता का पैसा है सरकार के पास जा रहा है ना। अब सरकार उसका क्या है, बेसिकली एक अभिरक्षक है, एक मतलब क्या कर रही है, वो उसकी रक्षा भी कर रही है, जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी कर रही है, है ना, जनता की भलाई के लिए। मतलब ऐसा किताबों में लिखा होता है, असलियत में जनता की भलाई तो नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए, इनकी स्वीकृति के बिना जो है कोई नया कर लगाया नहीं जा सकता। अब भैया देखो एक बात बताओ, जो भी जितने भी नए नए कर आए हैं तो कहीं ना कहीं उनका कानून पास हुआ होगा, भैया विधायिका ने कहीं ना कहीं कानून पास किए होंगे। तो भैया अगर ये विधायिका ही नहीं होगी, है ना, ये संसद ही नहीं होगी, तो कैसे काम चलेगा, है ना। आप नया जो रूल है वो पास कर लोगे, नया जो कर का सिस्टम है, कोई कल को जो है कोई लोकल का आदमी बोल देगा कि कल से जो हम कर लेंगे, हम जो कर है वो हम वसूला करेंगे, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, है ना। जब तक जो है यहाँ पे विधायिका कोई नया कर नहीं लगाती है, यानी कि नए कर से संबंधित कोई भी कानून नहीं बनाती है, तो कर कैसे लग सकता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इसकी स्वीकृति के बिना जो है कोई भी नया कर नहीं लगाया जा सकता, और संचित खजाने के आधार पर ये नए वित्तीय योजनाएं बनाते हैं। भाई जो भी इनके पास संचित खजाना है उसके हिसाब से क्या करते हैं, ये नई नई डेवलपमेंट जो योजनाएं होती हैं, जो विकास के से संबंधित योजनाएं होती हैं, वो भी यही लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि भैया जो विधायिका होती है इसका बहुत बड़ा जो है हमारे देश में रोल होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, ये कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखते हैं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, चलिए मैंने आपको कार्यपालिका के बारे में पहले बताया था कि भैया जो सरकार अपनी बना रही है ना, मैंने बोला था चुनाव होते हैं भाई, लोकसभा के चुनाव होते हैं, है ना। आप लोकसभा के चुनाव हुए, आम लोगों ने वोट दिए और यहाँ पे बीजेपी जीत गई। अब बीजेपी किसका काम करेगी, बीजेपी जो है कार्यपालिका का काम करेगी। भैया मोदी जी होंगे, मोदी जी के अंडर मंत्रिपरिषद होंगे और राष्ट्रपति जी होंगे, है ना। और कार्यपालिका में कौन आता है, तो भैया जो भी ये जो नौकरशाही लोग होते हैं ये भी कार्यपालिका में आते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, जो भी भैया योजना वगैरह बननी है, जो भी कानून वगैरह बनाए गए हैं उनको लागू करवाना, कैसे उन्हें ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करवाते हैं, तो किसका काम होता है, कार्यपालिका का काम होता है। कार्यपालिका जो है अपनी मर्जी से जो है कुछ नहीं कर सकती भाई, है ना। जैसे कुछ करेगी तो भैया ऑपोजिशन के जो लोग हैं, जो विपक्षी नेता हैं, उनके पास भी तो कुछ ताकत है भैया, है ना। 51% सीटें हैं, बाकी की जो सीटें हैं वो किसके पास होंगी, वो तो आप बोल सकते हो विपक्षी के दल के पास होंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये भी है कि अगर कुछ उल्टा सीधा करती है कार्यपालिका तो उस पर जो है नियंत्रण भी बनाए रखता है पूरा पूरा, ठीक है ना। तो ये आपने देखा होगा पहले बिल जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों में जाता है, है ना। इन केस अगर लोकसभा में पास भी हो गया तो ये राज्यसभा में अगर गया तो राज्यसभा में इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पूरी जो सीटें होंगी बीजेपी की होंगी, राज्यसभा में भी वो बहुत सारे विपक्षी दल होंगे जो जीत के आए होंगे। तो आपने देखा होगा कई बार राज्यसभा जो है फिर से क्या करती है, वो उसे रिचेक करने के लिए बोलती है कि फिर से जो आप इसे कंसिडर करो कि फिर से जो है इसमें कुछ कमियां हैं, ये कमियां दूर हो जाएंगी, उसके बाद ही जो है राज्यसभा से जो बिल जो है वो पास हो पाएगा, है ना। तो ये सारी जो चीजें बहुत ज्यादा मैटर होती है, लेकिन हाँ असलियत की हम बात करें, रियलिटी की हम बात करें, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ज्यादातर जो बिल आते हैं जिसमें साधारण जो बहुमत चाहिए होती है वो पास हो ही जाते हैं, क्योंकि देखो अभी हम बात करें तो देखो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीट है अभी, है ना, अभी करीबन 301 के करीब सीट है बीजेपी के पास, है ना। अगर लोकसभा की हम बात करें और विधानसभा में भी शायद इनकी जो है 245 में से काफी सीटें हैं, है ना, 100 से ऊपर सीटें हैं वैसे देखा जाए तो। तो अभी क्या है कि अभी जो है बीजेपी का बोला भाला है, तो ये इनका जो भी कानून है वो पास हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा बहुमत है, ठीक है, क्योंकि जनता ने जो है ना चुना है ना, जनता जनार्दन ही है, समझ में आया, जल्दी से बताओ, है ना। तो क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। चलिए, तो जनता की शिकायतों को जो है विधानमंडल के द्वारा ही प्रकाश में लाया जाता है, ये वाद विवाद अथवा बहस के बाद जो है शिकायतों पर प्रकाश डालते हैं। आपने देखा होगा भैया कोई भी सरकार जो है नया कानून नया बिल लेके आती है ना, उस पर क्या होता है, बहुत ज्यादा बहस होती है। आपने देखा होगा पहले तो भैया संसद में लड़ाई दंगे हो जाते थे, माइक एक दूसरे के ऊपर फेंक के मार देते थे, है ना, यूट्यूब पे डालना, सर्च करना एक बारी, है ना। तो यहाँ पे बहुत बारी लड़ाई दंगे भी हुए हैं, बहुत सारी चीजों पर बहस होती है। और हाँ, ये क्या बेसिकली क्या होता है ना कि जो पूरी लोकसभा होती है ना, ये जो हमारी पूरी विधायिका होती है लोकसभा की हम बात करें, पूरी हमारी जो संसद होती है ना, इनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं भाई, ऐसा थोड़ा ना सिर्फ कानून ही बनाते रहेंगे, कानून के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं इनके पास। जैसे मैं बताऊं भाई, मैं अपना जो है मैं टीचिंग में भी हूं और मैं जो भी नोट्स के काम होते हैं, जो भी कंटेंट वाला काम होता है ना, एक बंदा होता है ना जो मल्टीपल काम करता है भाई, उसमें से पढ़ाना एक मेरा काम है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें विधायिका की बात करें या फिर हम पूरे संसद की बात करें, तो उसमें बहुत सारे जो लोग बैठे हुए जो कानून का निर्माण कर रहे हैं उनके पास और भी सारे जो है काम होते हैं भाई, है ना। चलिए, संसद जो है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, भैया ये भी सही है। आपने भैया मैंने तो बताया था पिछले चैप्टर में बताया मैंने, है ना, जो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है भाई, तो भैया ये कौन लोग करते हैं भाई, तो विधानसभा के लोग करते हैं, विधान परिषद के नहीं करते, विधानसभा के लोग करते हैं और लोकसभा के लोग करते हैं, राज्यसभा के लोग करते हैं चुनाव, है ना। तो उपराष्ट्रपति का भी चुनाव उसी सेम उसमें होता है, ठीक है ना। चलिए, संसद के पास जो है न्यायकार भी होते हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना। अब भैया मैंने बताया था भैया, है ना, महाभियोग बताया था मैंने, महाभियोग किसके केस में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के केस में, उसमें क्या होता है भाई, महाभियोग के केस में क्या होता है, 75%
चाहिए होते हैं राज्यसभा लोकसभा से, उसके बाद जो है आप किसी राष्ट्रपति को हटा पाओगे, है ना। तो एक पूरा प्रोसेस होता है, अगर आप न्यायाधीश को हटाना चाहते हो, उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हो, तो जो है यहाँ पे इसका जो है प्रॉपर जो है प्रोसेस होता है, ठीक है ना। जैसे उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो उसमें तो बस वही है कि राज्यसभा में अगर लोग मान जाएंगे तो हो जाएगा, है उपराष्ट्रपति के लिए इतना कोई बीटी नहीं होती, लेकिन हाँ राष्ट्रपति के लिए जो है प्रॉपर एक यहाँ पे 75% जो है यहाँ पे मेजोरिटी चाहिए होती है। तो ये काम कर कौन रहा है, तो ये काम जो है भाई हमारी संसद ही तो कर रही है, हमारी जो संसद में लोग बैठे हुए हैं वही तो कर रहे हैं, अगर राष्ट्रपति को हटाना है, कोई न्यायाधीश को हटाना है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है हमारे देश में, अभी ऐसा हुआ नहीं है ना, या किसी राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या कोई न्यायाधीश को हटाया नहीं गया, लेकिन हाँ ये बस पावर दे रखी है संसद के पास ही जो है पावर है। तो आपने देखा ना क्या है, देखो यहाँ पे सीन क्या है, एक दूसरे को चेक है यहाँ पे, एक दूसरे को यहाँ पे पावर चेक कर रहे हैं। जैसे मान के चलो सरकार गलत कर रही है तो न्यायपालिका जो है वो रोक रही है ना, अगर न्यायाधीश में कुछ कमी है तो संसद यहाँ पे रोक रही है, तो यहाँ पे एक दूसरे को जो है चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र की, ठीक है ना, एक दूसरे पर जो है लोग चेक करते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया था आपको विधायिका दो प्रकार की है, विधायिका की हम बात करें यानी कि जो कानून बनाता है तो वो दो प्रकार का है, यानी कि केंद्र के, केंद्र में संसद हमारी, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, संसद हमारी जो पार्लियामेंट है ना, रशिया में से ड्यूमा बोलते हैं भाई, रीस्टैक पहले जर्मनी में बोला जाता था, अब बंडस्टैग बोलते हैं उधर, ठीक है। अब आपको एक होमवर्क देता हूं, मैं क्वेश्चन देता हूं, मैं ये बताओ आप इसराइल की संसद को क्या बोलते हैं, आपको एक होमवर्क है, आपको कमेंट में जो है बताना है ना। और जो भी बच्चे नए आ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से, प्लीज जो हमारा नया चैनल जो है डाउटनेट आर्ट्स के नाम से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो जो चैनल है बेसिकली वो आपके आर्ट्स वालों बच्चों के लिए है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पुश करना होता है, तो यहाँ पे जो लेक्चर जा रहे हैं वो वहां पे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम बाद आप देखोगे रेगुलर जो है उस चैनल पे जो है लेक्चर जाएंगे, ठीक है। चलिए तो भैया याद रखना, ठीक है। अच्छा केंद्र में संसद है, और दूसरा हम बात करें राज्य में क्या है, राज्य में जो है विधानमंडल है, विधानमंडल है ना, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर है ना। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है भाई, इसमें विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, है ना। इसमें कौन होते हैं, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, इसमें क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसे, विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, विधानमंडल को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, विधानसभा को बोलते हैं स्टेट, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा इंग्लिश में से, हाँ स्टेट असेंबली बोल, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं विधानसभा को, और हाँ और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, है ना, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए आपको, बट मैं हिंदी में बताता हूं। तो विधान, तो जैसे हम बात करें तो केंद्र में क्या भाई, अब यहां पर समझ लो थोड़ा, केंद्र में लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यों की बात करूं विधानसभा में यहां पे क्या है, यहां पे विधानसभा है, विधान सभा और यहां पे विधान, विधान परिषद, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यहां पे, तो मैंने क्या बोला भाई, यहां पे हमारे देश में क्या है बेसिकली, एक चीज और है, हमारे देश में जो है पावरों का जो है क्या है डिवीजन है, आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर सत्ता का बंटवारा, पावर शेयरिंग, उसमें क्या दिखाया गया है, उसमें बताया गया है कि जितनी आप सत्ता की साझेदारी करोगे उतना क्या होगा भाई, उतना ही जो लोग खुश रहेंगे। तो भैया हमारा देश जो है बहुत ही ज्यादा विविधताओं वाला देश है ना। तो इसमें क्या देखने को मिलता है भाई, इसमें जो है अलग अलग लेवल पर जो आपने देखा है ना, कि अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र पे भी दो स्तर है, लोकसभा राज्यसभा, है ना। तो अगर मैं राज्य की बात करूं तो इसमें भी क्या है, इसमें भी जो है विधानसभा है और विधान परिषद है। हाँ हालांकि एक चीज और है, एक चीज क्या है यहाँ पे, एक चीज ये है कि विधान परिषद जो है सिर्फ 6 राज्यों में है ना, सिर्फ 6 राज्यों में है ना, सिर्फ 6 राज्यों में, लेकिन लोकसभा राज्यसभा तो मैंडेटरी है भाई, इसे हम बोलते हैं बाइकैमरलिज्म, है ना। तो ये इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी से, लेकिन इतना समझ लो आप, है ना, कि हमारे जो विधायिका है जो कानून बना रही है, एक तो भैया केंद्र सरकार से, केंद्र में भाई यहाँ पे जो लोग चुन के आते हैं क्या बोला जाता है, इन्हें जो है एमपी बोला जाता है, एमपी बोलते हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर जो राज्यों से चुन के आ रहे हैं, राज्यों से जो चुन के आ रहे हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें जो है एमएलए बोला जाता है, बोलते हैं भैया चाचा विधायक है हमारे, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो ये क्या भाई विधानमंडल के मेंबर है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, समझ में आया, फटाफट से बताओ। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली किसे बोल देंगे हम, विधानसभा को, ठीक है, इसके ये मेंबर है, तो इन्हें क्या बोल दिया, एमएलए विधायक, आपके क्षेत्र से कोई ना कोई विधायक होगा। और ये विधान परिषद क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये याद रखना। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है सिर्फ कितने राज्यों में, 6 राज्यों में है, 6 राज्य कौन से है भैया, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो इनके नाम जो है आपको याद रखने हैं, पहले जम्मू कश्मीर में भी था लेकिन वो जो है कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, भारतीय संसद के 2 भाग है, तो लोकसभा और राज्यसभा, देखो है ना ये आगे। तो भारतीय संसद के जो है अस्थायी सदन को जो है लोकसभा कहते हैं भाई, है ना, भारतीय संसद के अस्थायी सदन को लोकसभा कहते हैं। अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं, इसे अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद जो है पूरा पार्लियामेंट जो है चेंज होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि दोबारा चुन के नहीं आ सकते, लेकिन पूरे पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं चुन के जो आए हैं,
है ना, जो पूरे जो लोग हैं लोकसभा में जो भी चुन के आए हैं वो 5 साल बाद जो है फिर से चुनाव होंगे, अगर उन्हें फिर से जीत मिलती है फिर से तो आ जाएंगे, लेकिन ये पूरा जो लोकसभा है ना ये क्या होता है भाई, ये जो है स्थायी नहीं रहता, ये अस्थायी होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये अस्थायी होता है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो चुन के आते हैं, ठीक है, और हर 5 साल बाद चेंज भी होते हैं, चुनाव होते हैं हर 5 साल बाद। अब जैसे 2024 में चुनाव होंगे तो उसमें क्या होगा भाई, नरेंद्र मोदी को लोग वोट देंगे या फिर राहुल गांधी को देंगे, कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को देंगे, वो बात की बात होगी, लेकिन फिर से जो है क्या होगा, फिर से जो है क्या 5 साल बाद जो है पूरी लोकसभा में जो लोग हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसे अस्थायी सदन बोला जाता है ना। 545 लोग होते हैं, ठीक है, सदस्य होते हैं बेसिकली इसमें। और अगर हम बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा की हम बात करें तो देखो, हाँ राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा में क्या भाई, तो भारतीय संसद के अन्य सदन जो है स्थायी होता है, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे स्थायी सदन बोलते हैं। इसे हम स्थायी सदन क्यों बोलते हैं, एक बात और देखो, राज्यसभा जो होती है किसके कितने साल के लिए चुनी जाती है, 6 साल के लिए, 6 साल के लिए जो है हम राज्यसभा को चुनते हैं, याद रखना 6 साल के लिए चुनते हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं ना ये जाते नहीं है, सुने आप, यहाँ पे जो लोग हैं जाते नहीं है, यहाँ पे हर दो साल बाद क्या होता है, रिटायरमेंट होता है, मतलब एक तिहाई लोगों का जो है यहाँ पे रिटायरमेंट होता है, फिर क्या होता है नए लोग आते हैं, है ना। और इसकी हम बात करें इसमें मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 250 लोग होने चाहिए, लेकिन अभी हैं कितने, 245 हैं, और जिसमें से 12 कितने हैं, 12 जो है यहाँ पे चुने हुए लोग हैं, नॉमिनेटेड लोग हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, जिन्होंने कला में, विज्ञान में, है ना, साहित्य में, जो भी समाज सेवा है उसमें कोई अचीव किया है, उन्हें जो है यहाँ पे 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, कौन भाई, यहाँ पे अपने राष्ट्रपति जी, ठीक है ना। तो अभी कितने हैं, तो 233 लोग हैं अभी हमारे किसमें जो चुने हुए निर्वाचित लोग, कितने हैं चुने हुए लोग, कितने, तो 233 है। तो हर 2 साल बाद यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे लोग जो है रिटायर होते हैं बेसिकली, है ना, और उसके बाद जो है नए लोग आते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एक तिहाई लोग जो है यहाँ पे रिटायर हो जाते हैं, है ना, और इनका टोटल टाइम कितना होता है, तो 6 साल का होता है, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बोलो। अरे हाँ या ना तो बोल लो भाई, तुम लोग बातें करते रहते हो भैया, कुछ तो जवाब दे दिया करो, कुछ तो भाई जवाब दे दो। चले चले, क्लियर हुआ, अगर नहीं क्लियर हुआ दोबारा से देख लेना, कोई बात नहीं, इतना ही है। चलिए देखो, संसद में दोनों सदनों की आवश्यकता, अच्छा अब यहां पे एक चीज और है, अब यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना, कि भैया संसद में जो है दो सदनों की आवश्यकता क्यों है, मतलब अगर बात करें हम अपनी जो बात करें संसद की, है ना, इसमें लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, मतलब दो सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि हमारे भारत में क्या है, बहुत ज्यादा विविधताएं हैं, और जब ज्यादा विविधताएं होती है भाई, लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, लोग अलग अलग धर्म के अपनाते हैं, लोग अलग जाति के हैं, लोगों का अलग अलग पहनावा है, भाषा अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब आप किसी को मौका नहीं मिल पाएगा, किसी को सत्ता में भाग लेने का मौका नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, गृह युद्ध की स्थिति आ सकती है, लोग लड़ाई करेंगे आपस में, है ना भैया। आपकी क्लास में ही अगर किसी एक इंसान को जो है ज्यादा क्या दे दिया, ताकत दे दिया, मॉनिटर को बहुत ज्यादा ताकत दे दी, तो भैया बाकी के लोग तो चढ़ने लगेंगे ना उससे। तो यहाँ पे क्या बेसिकली, यहाँ पे ये है कि भैया जितना सत्ता का बंटवारा हो ना उतना अच्छा है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर लें, वहां पर बात करें हम सत्ता की साझेदारी, उसमें क्या था भाई, एक चैप्टर सत्ता की साझेदारी में दो उदाहरण लिए थे, एक तो बेल्जियम वाला उदाहरण था और एक श्रीलंका वाला उदाहरण था। तो श्रीलंका वाले उदाहरण में क्या था, तो श्रीलंका में सिन्हालाज बहुत ज्यादा थे और उनकी सरकार ने तमिलों पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या होता है भाई, वहां पे तमिलों को शक्ति नहीं मिली, तो उन्होंने वहां पे गृहयुद्ध कर दिया भाई, वहां पे गृहयुद्ध ऐसी स्थिति आ गई थी, हजारों लोगों की मौत हुई वहां पे। तो ये स्थिति अगर भारत में ना आए, है ना, ये स्थिति भारत में नहीं आए, तो उसकी वजह से क्या है भाई, यहाँ पे सदनों के क्या है भाई, यहाँ पे संसद के भी दो दो सदन है ना। जैसे आप देखोगे भाई लोकसभा राज्यसभा, हो सकता है लोकसभा में जो लोग हैं चुन के ना आ पाए, है ना, अलग अलग छोटी छोटी धर्म के जो लोग हैं, एथनिक ग्रुप के जो लोग हैं ना आ पाए, तो क्या पता वही वो राज्यसभा में चुन के आ जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, होता है ना कि हमारे तरफ का जो इंसान है, हमारे जो हमारे साइड का जो इंसान है, मान के चलो कर्नाटका से कोई गया ही नहीं चुन के, एमपी कोई गया नहीं, कर्नाटका से कोई एमपी नहीं गया, हो सकता है वो राज्यसभा में चला जाए चुन के, है ना। तो ऐसा हो सकता है बेसिकली, क्या ज्यादा से ज्यादा जो है रिप्रेजेंटेशन देना है, ज्यादा से ज्यादा जो लोगों को जो है सत्ता में भाग लेने देना है, तो यही इसका मकसद है, ठीक है ना। तो देखो विविधताओं का पूर्ण देश है भारत, है ना। हाँ, अब इसको क्या बोलते हैं, द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइकैमरलिज्म, आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए बाइकैमरलिज्म। इसमें बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है कि हमने क्या कर दिया, हमने दो दो सदनों को, हर जैसे हम बात करें राज्य की और हम बात करें पूरे केंद्र की, तो हमने दो सदनों में जो है विभाजित कर दिया। अगर हम राज्य की केंद्र की बात करें तो केंद्र में क्या है भाई, लोकसभा राज्यसभा, और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम राज्य की बात करें उसमें क्या है, उसमें है विधानसभा और विधान परिषद, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, समझ में आया। तो ये क्या है बेसिकली, ये क्या है बेसिकली, ये द्विसदनात्मक है, ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाइकैमरलिज्म है, इसको ही हम इंग्लिश में बाइकैमरलिज्म बोलते हैं, है ना। अच्छा एक चीज याद रखना कि अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में ये ऑप्शनल है, स्टेट में ये ऑप्शनल है, क्या ऑप्शनल है भाई, तो स्टेट में ये ऑप्शनल है कि भाई जो राज्य है उनके यहां पर जो है हो सकता है कि एक आप बोल सकते हो यूनिकैमरलिज्म, यानी कि सिर्फ एक ही सदन हो,
जैसे हम बात करें सिर्फ छह राज्यों में क्या है, छह राज्यों में सिर्फ स्टेट काउंसिल है ना, यानी कि आप बोल सकते हो जो जो विधान परिषद है वो सिर्फ एक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है सिर्फ एक है, है ना, कितने मतलब मैं कह रहा हूं, मैं कुछ गलत बोल के आई एम रियली सॉरी, हाँ छह राज्यों में है, सिर्फ छह राज्यों में जो है क्या है, विधान परिषद है, अगर हम राज्यों की बात करें तो, अगर राज्य के स्तर पर हम देखें तो राज्य के स्तर पर जो है ना ये सदात्मक जो है लागू नहीं होता, ये ऑप्शनल है राज्यों की हम बात करें तो, हाँ अगर केंद्र की हम बात करें तो ये मैंडेटरी है कि भैया ये प्रणाली तो होगी होगी द्विसदात्मक, यानी कि बाइकैमरलिज्म होगा ही होगा, अगर राज्यों की हम बात करें, राज्यों के केस में जो है ये ऑप्शनल है कि भैया वो इसे अपनाना चाहते हैं नहीं अपनाना चाहते, तो आप देखोगे सिर्फ छह राज्यों में क्या है, छह राज्यों में ही विधान परिषद है, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी जो चीजें वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है, तो मैंने बताया ये भारत में जो है बहुत ज्यादा विविधताएं हैं, है ना, तो यहाँ पे लोग क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी तरफ से जो लोग हैं वो भाग लें सत्ता में, है ना, हमारे जो लोग हैं वहां पहुंचे वहां पे, तो कैसे भी ना कैसे भी करके मान के चलो लोकसभा में सीट नहीं मिल पाई तो राज्यसभा में सीट मिल जाएगी, है ना, तो इस वजह से जो है यहाँ पे क्या रखा गया है, द्विसदात्मक प्रणाली रखी गई है। अमेरिका की हम बात करें, अमेरिका में क्या है भाई, तो अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में यूनी है, यूनिकैमरलिज्म है, यानी कि वहां पे सिर्फ एक ही सदन है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इसका एक अन्य लाभ भी यह है कि एक सदन द्वारा जो है लिए गए प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन पर जो है पुनः विचार हो सकता है। तो भैया मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, इन केस मान के चलो कोई यहां पे निर्णय ले लिया, लोकसभा ने कोई निर्णय ले लिया, लेकिन यहां पे राज्यसभा जो है वो क्या करेगी, वो जो है उस पर पुनर्विचार कर सकती है, है ना। तो यहां पे सबसे अच्छी चीज क्या है, हो सकता है कि भैया देखो वो बिल पास हो जाए, लॉ बन जाए, जिसकी बहुमत ज्यादा है वो लॉ बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या होगी कि बहुत सारे लोगों के क्या होंगे, अपने अपने विचार होंगे, है ना, कोई भी अगर एक्ट आ रहा है, लॉ आ रहा है, तो अगर मान के चलो लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में जब आएगा तो राज्यसभा के जो लोग हैं वो ये बोल सकते हैं कि भैया इसमें जो है कुछ कमियां हैं, उस पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, है ना, तो उस पर जो है पुनर्विचार भी कर लिया जाएगा अगर दो दो सदन है तो। अब मान के चलो सिर्फ एक सदन है, मान के चलो लोकसभा है, तो लोकसभा में भैया जिसकी मेजोरिटी है, जिसके पास 50% से ज्यादा सीटें हैं, वो तो बिल पास करवा लेगी, है ना। अब भाई जैसे ही राज्यसभा में जो आएगा बिल, तो हो सकता है कि भैया जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जिसके लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं, उसकी राज्यसभा में ज्यादा सीटें ना हो, तो क्या पता राज्यसभा में पास ही ना हो बिल, है ना। और राज्यसभा के जो लोग हैं अपने खुद के क्या दे सकते हैं, अपने खुद के जो है निर्णय भी दे सकते हैं, अपने खुद का जो है आप बोल सकते हो एक जो होता है ना, एक जो बेसिकली ओपिनियन जो होता है, अपना जो विचार जो होता है वो व्यक्त कर सकते हैं, और उस बिल पर जो है पुनर्विचार करने को बोल सकते हैं, तो ये भी फायदा है किसका भाई, द्विसदात्मक का, है ना। चलिए अब प्रत्येक विधेयक और नीति पर जो है दो बार विचार होता है, तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि भाई एक बार लोकसभा में गया, एक बार राज्यसभा में गया, तो दो दो बार जो है एक किसी भी कानून पर जो है दो दो बार जो है विचार किया जाता है, है ना। एक सदन जो है कोई भी निर्णय जल्दबाजी में थोपा नहीं जाता, तभी आप देखते हो ना कोई भी बिल आता है, अभी देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है ना, एक देश एक कानून होगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे जो है बहुत टाइम लग रहा है, काफी समय से अटका हुआ है, तो भैया यहाँ पे निर्णय तो लेट लिए जाते हैं, लेकिन जब निर्णय लिए जाते हैं तो बहुत अच्छे निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये फायदे होते हैं द्विसदात्मक प्रणाली के, ठीक है ना, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, वर्तमान की हम बात करें तो हमारे देश में केवल छह राज्यों में जो है विधान परिषद है, समझ में आ गया, किसकी बात हो रही है यहाँ पे। राज्यों की हम बात करें, तो सिर्फ छह ही राज्य ऐसे हैं जिसमें क्या है, जिसमें जो है ये फॉलो किया जा रहा है द्विसदात्मक, यानी कि बाइकैमरलिज्म फॉलो किया जा रहा है, बाकी इसके बचे राज्यों में जो है यूनिकैमरलिज्म, सिर्फ एक ही सदन है, ठीक है। चलिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा का जो है प्रतिनिधित्व, राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यहां पे एक बात याद रखना कि राज्यसभा जो है भैया लोगों ने चुन के नहीं भेजा है, लोगों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो लोगों का प्रतिनिधित्व तो लोकसभा कर रही है, लेकिन राज्यसभा क्या कर रही है, राज्यसभा तो ये राज्यों की विधानसभा द्वारा चुन के भेजे गए हैं ना, तो ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो भैया ये जो है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राज्यसभा, ठीक है ना। इनडायरेक्टली हमने इलेक्ट किया है इन्हें, हमने इन्हें वोट थोड़ा दिए, राज्यसभा को हम डायरेक्ट वोट थोड़ा देते हैं, ये तो राज्यों के जो विधानसभा है, जो आप जिन लोगों को आपने चुन के भेजा है, है ना, जिन विधायकों को आपने जिताया वो इन्हें चुन के भेज रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, इसे संसद का ऊपरी सदन भी कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, ऊपरी सदन, संसद का ऊपरी सदन, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जो एक स्थायी सदन होता है, यह सदन जो है कभी भंग नहीं होता, मैंने बोला ये क्या होता है, ये स्थायी होता है, यानी कि यहां पे मेंबर जो है रिटायर होते रहते हैं, हर दो साल बाद जो है एक स्थायी मेंबर रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसका भी एक फंडा है, आप बोलोगे सर एक तिहाई मेंबर रिटायर हो जाएंगे, शुरू कैसे हुआ होगा, तो सुनो यहाँ पे, ये 1952 में जो है ये शुरू हुआ था, है ना, तो 1952 में जो पहले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने बोला कि कुछ जो लोग होंगे वो आप बोल सकते हो दो साल में रिटायर हो जाएंगे, है ना, फिर दो साल बाद में मतलब जिन लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो दो साल में रिटायर हो जाएंगे, फिर उसके बाद दो साल बाद जो लोग आएंगे वो फिर चार साल बाद रिटायर हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे करके जो यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी, दो कुछ जो मेंबर होंगे, आधे से ज्यादा मेंबर जो होंगे वो दो साल में उन्हें रिटायरमेंट देना पड़ेगा, छह साल सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो आप क्वेश्चन भी तो ये आता है ना कि एक बात बताओ, छह साल का टेन्योर है, छह साल पूरा करेंगे तो सारे तो रिटायर हो जाएंगे फिर, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले जब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, राष्ट्रपति ने कुछ लोगों को सिर्फ दो साल के लिए किया, है ना, और उसके बाद फिर कुछ लोगों को जो है चार साल बाद किया, तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे जो है
किसी का जल्दी नंबर आ गया, किसी का लेट नंबर आया, और कुछ लोगों को जो है 6 साल बाद किया। तो ऐसे जो है यहाँ पे सबका जो है धीरे धीरे करके, एक बार भी नंबर नहीं आया, धीरे धीरे करके नंबर आता रहा, है ना। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई मेंबर जो है दोबारा भी राज्यसभा का सदस्य बन जाए, है ना। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार बनेगा, आप दोबारा भी जीत के आ सकते हो राज्यसभा में, ठीक है। तो ये सब जो चीजें याद होनी चाहिए आपको। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है भाई, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है मैंने बताया था भैया किससे होता है, भैया एकल संक्रमणीय मत से होता है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कौन सी भाई, कौन से यहाँ पे सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड भाई, है ना, कौन सा समानुपातिक प्रणाली यहां पे लागू की जाती है ना, है ना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यहां पे जो है लागू की जाती है। इसमें क्या होता है भैया, डायरेक्ट कोई किसी को चूज नहीं करता, यहां पे पोस्टल बैलेट वगैरह का सिस्टम लगता है, पता होना चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ पे जो है एकल संक्रमणीय प्रणाली जो है लागू की जाती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसे आप बोल सकते हो राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, इनडायरेक्ट यहाँ पे सिस्टम होता है जिसमें जो है किसी राज्य के लोग जो है राज्य की विधानसभा के सदस्य को जो है चुनते हैं, और फिर राज्य विधानसभा के सदस्य जो है राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। मतलब क्या होता है, हम क्या चुनेंगे, हम जो है विधानसभा के सदस्य को चुनेंगे, और जो विधानसभा के सदस्य जो है वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनेगा, है ना। और ये किसके द्वारा होता है भाई, ये जो है एकल संक्रमणीय प्रणाली यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, ये जो है आपको क्लियर होना चाहिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव जो सिस्टम जो होता है उसके द्वारा जो यहां पे चुना जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी से बताओ, ठीक है। चलिए, राज्यसभा के सदस्य और उनका कार्यक्रम, तो भैया ये तो मैंने आपको बता दिया कि 6 साल का उनका कार्यक्रम होता है ना, हर 2 साल बाद जो है एक तिहाई मेंबर जो है यहां पे रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, यहां पे एक चीज और देखने, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य की बात मैंने कर लिया। मनोनीत मतलब क्या होता है, मनोनीत मतलब होता है नॉमिनेटेड, मनोनीत मतलब क्या होता है नॉमिनेटेड, यानी कि जिन लोगों को जो है राष्ट्रपति ने चुना, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा टैलेंट है ना, जो अपनी राय दे सकते हैं, जैसे खेल के बारे में, जैसे हम बात करें सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के जो है सदस्य है, है ना। तो भैया ये क्या है, सदस्य रह चुके हैं, तो भैया इनकी हम बात करें तो जैसे खेल में या विज्ञान में, साहित्य में, भैया किसी की भाई साहित्य बहुत अच्छा, नाच गाना बहुत अच्छा है भाई किसी का, है ना, किसी का विज्ञान बहुत अच्छा, आपने नोबेल पुरस्कार जीत लिया, तो भैया सरकार ने आपको ऑफर किया कि राष्ट्रपति ने बोला कि भैया कि इन्हें जो है राज्यसभा का सदस्य बनाओ, टैलेंटेड लोग हैं। तो इसमें 12 जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाम कमाया होता है ना। तो जैसे मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, अभी कितने हैं, 245 हैं। 245 में जो 12 मेंबर हैं वो कैसे हैं, वो नॉमिनेटेड हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो है चुने गए हैं, है ना। चलिए, तो भाई आखिरी टॉपिक बचा हुआ है कि भैया राज्यसभा की शक्तियां क्या क्या होती हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं, राज्यसभा के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पे, तो सामान्य विधेयकों पर जो है विचार कर रहे हैं उन्हें पारित करती है, और धन विधेयकों में जो है संशोधन प्रस्तावित करती है। तो ये जो भी सामान्य विधेयक होते हैं, सामान्य मतलब जो सामान्य कानून होते हैं, सामान्य विधेयक मतलब जो सामान्य जो विधेयक होते हैं उन पर जो है उन पर विचार करती है भाई। जैसे मान के चलो लोकसभा में पास हो गया, है ना, और जैसे ही राज्यसभा में गया तो उन्हें कुछ गलत लगा तो उन्होंने पुनः विचार करने के लिए बोल दिया। और जो भी धन विधेयक होते हैं, है ना, जो भी धन से संबंधित, जो भी वित्तीय संबंधित जो विधेयक होते हैं उस पर भी जो है संशोधन का उनके प्रस्ताव रखती है कि इसमें जो है कुछ बदलाव करने चाहिए, ठीक है। चलिए, संवैधानिक संशोधनों को जो पारित करती है, जो भी संवैधानिक संशोधन है, जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवा रहे हो, जो भी संविधान में बदलाव करवा रहे हो, उसमें भी जो है इनका पूरा का पूरा हस्तक्षेप होता है, जितना लोकसभा का होता है ना। प्रश्न पूछकर जो है तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है भाई, है ना। ये इनका काम ये भी होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। जैसे जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो कानून ला रही है, जिसने ड्राफ्ट बनाया है पूरा, है ना, जिसने प्रेजेंट किया संसद में, तो उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब हाँ, एक चीज और है, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर मान के चलो कि ना यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में अनबन हो जाती, मतलब कोई भी कानून पास ही नहीं हो पाता, है ना, वोटिंग ठीक से हो नहीं पाती और कोई कानून पास ना हो पाए, वैसे ऐसा होता नहीं है ऐसा, लेकिन इनकेस ऐसा हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है ना पूरी सभा को बुलाता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों को बुलाता है। मान के चलो यहाँ 545 सीट्स किसकी हैं, लोकसभा की हैं, और 245 सीट किसकी है, मान चलो ये राज्यसभा की है, तो कितना हो गया, 5 में 10 की 0 4 4 8 1 9 790 सीट होंगी। अब 790 में क्या होगा, वोटिंग होगी, और इसका जो है क्या चाहिए होगा, हाफ चाहिए होगा, कितना, 2 3 6 2 9 18 395, है ना। तो यहाँ पे 395 एक 396 सीट है ना, यानी कि 396 यहाँ पे वोट चाहिए होंगे। तो ऐसे होता है, मतलब फिर राज्यसभा विधानसभा लोकसभा एक जगह बैठती है और फिर वोटिंग होती है, तो ये सीन होता है ना। ऐसा वैसे बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इन केस क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो भाई जिसके पास ज्यादा मेजोरिटी होगी, तो आप तो यहाँ पे देख सकते हो ना, देखो 396 तो अकेली लोकसभा में सीटें हैं, है ना। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भैया रूलिंग गवर्नमेंट जो है जिसके पास ज्यादा बहुमत होगी, क्या पता उनके पास राज्य में और लोकसभा में दोनों में बहुमत हो, है ना, तो वो जीत जाएगी, है ना। तो ऐसे कम होता है वैसे, इन केस अगर ऐसा केस आ जाता है कि दोनों में अनबन हो जाती है, कोई किसी की बात नहीं मानता, तो यहाँ पे राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों को एक इकट्ठा बैठा लेते हैं, फिर वोटिंग होती है, जिसकी बहुमत होती है वो जीत जाता है, ठीक है। चलिए,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग लेती है और उन्हें जो है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। मतलब जब भी क्या होता है, जब भी राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को चुनने की बात आती है तो भी राज्यसभा चुनती है, उन्हें हटाने की बात आती है तो भी इन्हें हटाने की यहाँ पे पूरी की पूरी जो है यहाँ पे ताकत है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए भाई, है ना। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है सिर्फ किसमें लाते हैं भाई, राज्यसभा में, मतलब लोकसभा में नहीं जाता। अगर राज्यसभा में 75% लोग जो है मान जाते हैं तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, है ना। अब आपका एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति है कौन, है ना। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति होता है भाई, राज्यसभा का कौन होता है भाई, सदस्य और राज्यसभा का मेंबर होता है, चेयरमैन होता है ना, चेयरमैन भी यही होता है। याद रखना कि पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन है, तो वो यही होते हैं, सभापति बोलते हैं ऐसे हिंदी में, है ना। और एक उपसभापति होता है जो उन्हीं का एक मेंबर होता है, बन जाता है। इन केस अगर उपराष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं होते तो वो उपसभापति ही काम करता है, जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं ना, वैसे ही इन्हें बैठा दिया जाता है कि अगर कोई केस होता है, कोई भी चीजें वगैरह होती है बेसिकली, तो उन्हें जो है आप बोल सकते हो यहाँ पे जो है निर्णय लेने के बोल दिया जाता है। जैसे हम बात करें ओम बिरला कौन है, ओम बिरला जो है चेयरमैन है, लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, है ना। उनका काम क्या है, तो उनका काम देखो, उनकी वो भी एक क्या है, सांसद ही है बेसिकली। होता है ना कि क्लास में जैसा ज्यादा उधम होता है तो एक मॉनिटर बिठा दिए जाते हैं, तो वैसे ओम बिरला जी हैं, वो देखते हैं बेसिकली क्या हो रहा है। जैसे ज्यादा उधम वगैरह होता है तो आपने देखा होगा कि जो लोकसभा स्पीकर है बैठे होते हैं वो क्या करते हैं भाई, वो कहते हैं शांत हो जाओ, है ना। तो उनका काम क्या होता है, मॉनिटर होते हैं, जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर होता है ना वैसे, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, चलिए, है ना। तो यह संसद को जो है राज सूची के विषयों पर कानून बनाने को जो है अधिकार दे सकती है भाई, है ना। यानी जो संसद, ये जो संसद होती है बेसिकली, संसद को जो है राज सूची के विषयों पर, जो भी राज सूची मतलब क्या होती है, जिस पे जो है राज कानून बना सकते हैं, तो उसकी सूची पर जो है यहाँ पे कानून बनाने के अधिकार भी दे सकती है, ठीक है। यह राज्यों की जो है हितों की जो है रक्षा करती है, मतलब जो राज्य होते हैं, राज्य मतलब भैया राज्यों से जो चुन के आए हैं, ये जो राज्यसभा के जो लोग हैं राज्यों से चुन के आए हैं, तो ये राज्यों के हितों के बारे में भी जो है ये बात कर सकते हैं, इनके हितों की रक्षा की बात कर सकते हैं, और जो राज्यों की सूची है उसमें राज्यों की शक्तियां बढ़ाने की भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि राज्यों से ही चुन के आए हैं भाई, राज्यों का ही तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे हम बात करें 31 सीटें किसकी है, 31 सीटें जो है यहाँ पे किसकी है भाई, 31 सीटें जो है यहाँ पे राज्यसभा यूपी से, अकेले राज्यसभा में 31 सीटें जो है अकेले यूपी से, अकेले यूपी से। तो यहाँ पे अगर ये 31 लोग चाहे तो बोल सकते हैं भैया यूपी के बारे में कुछ भी, कि भाई यूपी में ये जो चीजें हैं उनकी रक्षा की, उनकी जो रक्षा है वो करने का हमारा क्या है, वो हमारा दायित्व है बेसिकली, है ना। तो आप अपने आप बोल सकते हो राज्यों के हितों की रक्षा की बात कर सकते हो, है ना। यानी कि ये जो 31 सांसद है ये हमारे यूपी के बारे में जो है बात कर सकते हैं, हित के बारे में जो है बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यूपी वालों ने ही जो है ने चुन के भेजा है ना, यूपी की जो विधानसभा है उन्हें ही तो चुन के भेजा है, तो ये यूपी के बारे में जो है बात कर सकते हैं, हितों की रक्षा के बारे में जो है ये लोग बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। अच्छा, लोकसभा में क्या होता भाई, है ना, लोकसभा में होता क्या है, तो लोकसभा इसको हमने और क्या बोला था, हाउस ऑफ पीपल बोला था हमने, है ना, हाउस ऑफ पीपल, लोगों का सदन बोला था, लोगों का सदन, हाउस ऑफ पीपल हमने क्यों बोला ऐसे, क्योंकि ये इसे जो चुनके भेज रहा है वो कौन भेज रहा है, इन्हें जो चुनके भेज रहा है वो कौन भेज रहा है, याद करो इन्हें मिलकर कौन भेज रहा है, इन्हें जो है चुनकर कौन भेज रहा है, हमारी जो आम जनता है वो चुनके भेज रही है, हाउस ऑफ पीपल ऐसे थोड़ा बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम दूसरा नाम क्या था हमारा, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, है ना, निचला सदन बोला जाता है, लोअर हाउस क्यों बोला जाता है, तो भैया इसमें जो लोग होते हैं वो चुनके आते हैं, लेकिन हम लोअर हाउस ही क्यों बोलते हैं ऐसे, लेकिन हमारे जो राज्यसभा में जो लोग आते हैं ना उन्हें अपर हाउस बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्हें जो है इसमें कुछ जो लोग हैं प्रधानमंत्री चुनके कुछ टैलेंटेड लोगों को भेज रहे हैं, उसमें कुछ ज्यादा सीनियर जो लोग हैं वो आते हैं बेसिकली, है ना, डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, इसलिए उन्हें अपर हाउस बोल दिया जाता है, इसे जो है लोअर हाउस बोल दिया जाता है, बाकी कोई कारण नहीं है, बाकी दोनों की सब ताकतें जो है बराबरी होती है, है ना। तो लोकसभा की हम बात करें, इसे जो है लोगों द्वारा चुना जाता है, है ना। आपने देखा होगा कि आपके उधर साइड जैसे अलग अलग क्या होती है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपके यहाँ पर, जैसे आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप जिस भी इलाके में रह रहे हो उसमें जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, जैसे मान चलो 51 कॉन्स्टिट्यूएंसी शायद यूपी में, है ना, यूपी की हम बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र, तो आपके इलाके से कोई एमपी चुन के गया, है ना, किसी फलाने के इलाके से एमपी चुन के गया, तो हर जगह से हर पार्टी क्या करती है, हर पार्टी जो अपने अपने अलग अलग प्रत्याशियों को उतारती है मैदान में, है ना, और जिस पार्टी को जो है सबसे ज्यादा सीटें मिलती है वही अपनी सरकार बनाता है, है ना। और इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें जो है हर पार्टी का क्या जाता है, एक एक सदस्य जो है हर इलाके से खड़ा होता है, वहां पे क्या होते हैं चुनाव होते हैं, और जिसको जो है सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो क्या करेगा, वो जो है अपने इलाके से क्या अपने निर्वाचन क्षेत्र से एमपी चुन के जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, और वो क्या बनेगा भाई, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे ही तो हम संसद बोल देते हैं, सांसद बोल देते हैं बेसिकली, उसे सांसद कहां चुनके जाता है, सांसद ही तो लोकसभा में, भाई लोकसभा में कौन बैठेंगे, सांसद ही तो बैठेंगे, तो आपने जिन लोगों को चुनकर भेजा है वही जाकर जो है सांसद में बैठ के आपके लिए नियम कानून वगैरह आपके लिए निर्णय लेंगे भविष्य में, तो यही होता है लोकसभा का काम बेसिकली। अभी हम लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा में जो है सरकार किसने बनाई थी, अपनी लोकसभा की हम बात करें तो ये सरकार जो है बेसिकली किसने बनाई, तो बीजेपी ने बनाई, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के जो मंत्रिपरिषद है पूरा और जो भी अलग लोग हैं उन्हें चुनकर किसने भेजा है आपको,
तो उन्हें चुनके आप ही ने तो भेजा है भैया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ फटाफट से बताओ बेटा। हाँ सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, बिल्कुल है सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है ना। और हाँ लाइक वाइक करते रहना, लाइक बहुत कम दिख रहे हैं, वॉचिंग भी बहुत कम दिख रही है, ठीक है। चले तो यहां पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, वही चीजें लिखी हुई है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता दी है मैंने, अब तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर से बताना है आपको, ठीक है। चलिए, तो लोकसभा के सदस्य जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, यहां पे किसकी बात हो रही है, प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि आप डायरेक्टली उन्हें इलेक्ट कर रहे हो, आप खुद जाते हो वोट डालने, जैसा राष्ट्रपति के केस में होता है, जैसे राज्यसभा के केस में होता है, ऐसा यहां पर नहीं होता है, आप खुद जा रहे हो भैया और वोट डाल के आ रहे हो, 18 साल से ऊपर के हो तो, है ना। चलिए, लोकसभा चुनाव के लिए जो है पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, तो मैंने आपको बताया था भैया जिस एरिया की जो है, जिस राज्य की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है यहां पे बांटा जाता है, राज्य की पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है, है ना। जैसे मान चलो यूपी की पॉपुलेशन बहुत बोली जाती है, यूपी की पॉपुलेशन जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा यूपी की पॉपुलेशन है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर सबसे ज्यादा जो है यहां पर आपको निर्वाचन आपको क्षेत्र जो है देखने को मिल जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएंगे अकेले यूपी से, है ना। और इसमें मैंने अलग सिस्टम बताया था आपको, याद करो पिछला लेक्चर नहीं देखा आप देख सकते हो उसमें, तो मैंने आपको सिस्टम बताया था कैसे कैसे जो यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुना जाता है, है ना। ऐसा नहीं है कि भैया हर चुनाव में पॉपुलेशन भी बढ़ेगी तो उसके हिसाब से हम सीटें एडजस्ट कर दें, तो सारी जो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, लेकिन यहाँ पे ये जान लो कि हर निर्वाचन क्षेत्र में पूरे भारत को जो है किसमें बांट दिया जाता है, निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। हाँ, अब मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सीट्स हैं लोकसभा में कितनी हो सकती है, तो 550 हो सकती है मैक्सिमम नंबर, ज्यादा से ज्यादा सीटें कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है, लेकिन अभी कितनी है, तो 545 है, 545 सीट्स है, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 545 निर्वाचन क्षेत्र होंगे और यहां पर जो है एक एक नेता जो है चुनके आएगा, है ना। और इस 545 में दो क्या थे, मैंने बताया था दो एंग्लो इंडियंस थे, तो इनका तो हटा ही दिया, इनका तो सुपड़ा साफ हो गया, अब पता नहीं इन दो सीटों पे क्या होगा, लेकिन अभी के लिए कितनी है, 243 है, 543 है ना। और 543 क्या है भाई, निर्वाचन क्षेत्र है, और यहां से यहां पर क्या होगा, इन निर्वाचन क्षेत्र में ही जो है सांसद चुनके आएंगे, ठीक है। तो भैया जो पार्टी जीतना चाहती है उसे जो है 270-275 जो है वोट चाहिए जीतने के लिए, बहुमत के लिए, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है लोकसभा के सदस्य जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा चुनाव के लिए जो है पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, पूरे क्षेत्रों किसमें बांट दिया जाता है, निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो है एक प्रतिनिधि चुना जाता है। एक प्रतिनिधि कौन होगा, तो अलग अलग पार्टी है, मान के चलो आप है आम आदमी पार्टी, ये अपना एक उतारेगी, है ना, कोई मान के चलो ए करके जो है, ये करके जो है कोई एक निर्वाचन क्षेत्र है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ए करके, तो यहां पे आपने एक बंदा उतार दिया, है ना। यहां पे बीजेपी ने जो है अपना एक बंदा उतार दिया, है ना। यहां पे कांग्रेस ने जो है अपना एक बंदा उतार दिया, है ना। यहां पे सपा ने जो है एक बंदा अपना उतार दिया, कितने हो गए, चार हो गए। अब ये चार जो लोग हैं, ये चार जो प्रत्याशी हैं भाई, है ना, ये क्या करेंगे, ये इस सीट के लिए लड़ेंगे, इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो है लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने का मतलब ऐसे बॉक्सिंग नहीं करेंगे, इस पर जो है चुनाव हो गए। चुनाव में आप क्या करोगे, आपने मान के चलो आपको जो है 100 वोट मिले, है ना, बीजेपी को 101 वोट मिला, है ना, कांग्रेस को जो है मान के चलो 58 वोट मिले, है ना, और सपा को मान के चलो 40 वोट मिले, तो सबसे ज्यादा वोट किसे मिले हैं, तो 101 वाले को, तो ये जो 101 वाला जो वोट है ना बीजेपी का, तो बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा वो इस क्षेत्र से क्या बन जाएगा, एमपी चुन के जाएगा, बस यही होता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको ऑलरेडी बता दिया है, है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है बहुत अच्छे से जो है बता दिया है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इस समय जो है लोकसभा में कितनी बात करें, इस समय जो है लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, समझ में आ गया, वैसे 545 है, दो एंग्लो इंडियन है, लेकिन ये भी जो है एंड कर दी गई है, इनकी सीट को जो है हटा दिया गया है, है ना। अब इनका क्या होगा आगे, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ अभी 543 है, मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, तो 550 हो सकते हैं, और भविष्य में जो आपको ये नंबर बढ़ता देखने को मिलता रहेगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों को जो है संसदीय क्षेत्र भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो निर्वाचन क्षेत्र है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इन्हें क्या बोला जाता है, इनको जो है संसदीय क्षेत्र भी बोला जाता है। संसदीय क्षेत्र क्यों बोला जाता है, पार्लियामेंट्री एरिया जो है बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, आपने सुना होगा बहुत बारी कि आपके यहाँ पे तो ये अखिलेश यादव चुन के गए हैं, संसद बन के गए हैं आपके यहाँ पे तो फलाना नेता संसद चुन के गया है आपके यहाँ पर, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जब कोई ऐसा बोलता है ना कि आपके यहाँ से तो वो चुन के गए, आपके क्षेत्र से तो वो चुन के गए, कौन से क्षेत्र की बात हो रही है, तो ये निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही है, ये संसदीय क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है ना। वहां पर जो भी पॉपुलेशन है वो वोट देगी तो यहाँ पे किसी ना किसी एक पार्टी को मिलेगा, उस पार्टी में जो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही चुनके जाएगा, बस यही है ना। अच्छा, लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा सदस्यों की बात करें चुनाव कैसे होता है, तो लोकसभा चुनाव जो है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार से होता है। ये तो बहुत बारी आपको सुना होगा ये शब्द, जो है आपने कई बार 9th में सुना होगा, 8th में सुना होगा ये शब्द, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या होता है भैया, इसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं, है ना। यानी कि जितने भी 18 या 18 साल के लोग हमारे देश में, उन सबको जो है वोट डालने का अधिकार है, बराबर अधिकार है, आपके वोट की बराबर वैल्यू है, चाहे आप मुकेश अंबानी हो, चाहे आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, आपके वोट की जो है समान वैल्यू है,
ठीक है, समान वैल्यू है आपकी वोट की। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें समान वैल्यू नहीं है, है ना, ऐसा नहीं होता। यहां पे क्या होता है, यहां पे जो आपकी वोट की जो है समान वैल्यू है, समान, ठीक है, 18 साल से ऊपर की यहां पे कंडीशन है। पहले ये 21 साल था, है ना, लेकिन जो है आप उठा के जो है 18 प्लस कर दिया, ठीक है। तो हर जगह हर देश में जो है ये जो एज है ये वेरी करती है ना, तो वेरी करती, किसी देश में 18 है, किसी देश में 21 है। चलिए, प्रत्येक मत जो है, मत का मूल जो मूल होता है वो समान होता है, ये मैंने बोल दिया। जो वोट होता है, जो भी आप वोट डालोगे उसका जो मूल्य होगा समान होगा। लोकसभा के सदस्यों को जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, और फिर क्या होगा, हर 5 साल बाद, भारत में क्या होता है, हर 5 साल बाद जो है चुनाव होते हैं। इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो है हर जो पार्टी होती है बेसिकली, अब जैसे चुनाव होंगे 2024 में, अभी 2024 में चुनाव होंगे, तो यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस वगैरह तमाम जो पार्टियां होंगी वो क्या करेंगी, चुनाव लड़ेंगी, और उसमें जो भी जीत के आएगा वो फिर से एमपी बनेगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, हर 5 साल बाद जो है यहाँ पे चुनाव होते हैं, और यहाँ पे पार्टियां भी चेंज होती है, सांसद भी जो है चेंज होते हैं। जैसे राज्यसभा में था, राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में कोई, राज्यसभा में रिटायर होते हैं, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती कभी, हर 2 साल बाद क्या होता है यहां पे, एक तिहाई जो लोग हैं वो क्या होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं, है ना, और मैक्सिमम पीरियड भी होता है। तो हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के में ऐसा सीन नहीं होता, राज्यसभा में तो भैया रिटायर हो रहे हैं, उनके रिटायर की जो सीटें भरने, रिटायर हो रहे हैं या फिर जो भी लोग जा रहे हैं उनकी सीट भरने के लिए चुनाव होते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो 545 जो लोग हैं, 543 जो लोग हैं ये चुन के आएंगे दोबारा से 5 साल बाद, ठीक है, नए लोग आएंगे, हो सकता है पुराने वही आ जाएं, क्या पता फिर से चुनाव जीत जाएं तो पुराने वही आ जाएं। तो ये सारी चीजें होती हैं, है ना, लोकसभा भंग की प्रक्रिया। अच्छा, लोकसभा भंग भी हो जाती है ना, डिसॉल्व मतलब, इसका मतलब क्या है, लोकसभा भंग की प्रक्रिया मतलब ये डिसॉल्व भी हो जाती है, भंग मतलब एंड, जैसे आपकी क्लास कभी भंग हो जाती है, सारे लोग भाग जाते हो, है ना, बच्चे ही नहीं आते, तो ये वही सीन है। अरे आपस में बातें बातें मत करो यार, लाइव क्लास चल रही है, तुम आपस में बातें कर रहे हो, गलत बात है, गलत बात है, बहुत गलत बात है, ठीक है। चलिए, तो लोकसभा चुनाव के बाद जो है यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, अब सुनो, अब एक कंडीशन रख रहा हूं मैं आपको कि मान के चलो चुनाव हो गए, है ना, कितनी सीटें थी, 543 सीटें थी लगभग, मान के चलो 270 हाँ, मानी चलो 275 पर जो है किसी भी पार्टी को बहुमत मिलनी थी, बहुमत मतलब उसे सीट सबसे अलग, मतलब जैसे मान के चलो 543 सीट है ना, तो जो पार्टी जीतेगी, जो पार्टी अपनी सरकार बनाएगी उसको कितनी सीटों की जरूरत है, 51% 50% से ऊपर चाहिए, है ना, तो लगभग जो है 275 सीटें तो चाहिए ही चाहिए मान के चलो। अब यह भी एक कंडीशन आ सकती है कि कोई पार्टी के पास सीटें ज्यादा हो, मान के चलो बीजेपी के पास हो 220 सीटें, लेकिन भैया यहां पे क्या है, यहां पे उसको कितनी सीटें और चाहिए, कितनी सीटें और चाहिए यहां पे, तो आप बोल सकते हो ऐसे जो है 50 सीटें और जो है, और 55 सीटें जो है और चाहिए, है ना, अपनी सरकार बनाने के लिए जो है 220 है इसके पास और 55 सीटें और चाहिए इसे। अब ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि किसी को बहुमत ना मिले, बहुत बारी हुआ है ना, तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, अथवा कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो यहां पे राष्ट्रपति आ जाते हैं, राष्ट्रपति जो है सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए जो आमंत्रित करते हैं। अब यहां पे सुनो क्या होगा, यहां पे गेम चेंज हो जाएगा, सोच के देखो, है ना, समझ के देखो यहां पे। अब मैं फिर से अपने एग्जांपल पे आता हूं, मान के चलो 275 क्या चाहिए भाई, सीटें चाहिए जीतने के लिए, है ना, मान के चलो किसी पार्टी को जो है 220 सीटें मिल गई, है ना, 220 सीटें मिल गई, सबसे ज्यादा सीटें इसी के पास है, लेकिन बहुमत नहीं है इसके पास, बहुमत नहीं है, सीटें सबसे ज्यादा इसी के पास है, इस पार्टी के पास, कोई भी फलानी पार्टी है, मान के चलो ए पार्टी है। अब इसके पास जीतने के लिए कितनी सीटें चाहिए, ऐसे जीतने के लिए, तो इसको जीतने के लिए जो है करीबन 55 सीटें और चाहिए। अब ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जो होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, जो राष्ट्रपति जी होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो आमंत्रित करते हैं, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट होती है, या फिर जो पार्टी जो होती है सरकार बनाने की स्थिति में होती है, लगता है कि हाँ ये पार्टी जो है गठबंधन वगैरह करके जो है सरकार बना लेगी, तो उसको सरकार बनाने के लिए जो है हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं जो उसे आमंत्रित करते हैं, उस दल को आमंत्रित करते हैं कि आइए आपने सरकार बनाई कैसे भी, और इतने दिनों में कुछ एक निर्धारित समय होता है, उतने दिनों में जो है इस पार्टी को जो है, फलानी पार्टी को जो है अपनी बहुमतता जो है साबित करनी होगी, किसके सामने, राष्ट्रपति जी के सामने, कि हमारे पास इतनी पार्टियों का सपोर्ट है और टोटल हमारी जो सीट है वो 275 से ज्यादा हो चुकी है। क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए, है ना, तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो लोकसभा चुनाव के बाद जो है यदि किसी भी दल को जो है बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, अथवा कोई भी दल जो है सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि किसी के पास बहुमत है ही नहीं, है ना, तो इस केस में क्या होता है कि हमारे राष्ट्रपति जो होंगे सबसे बड़े दल, यानी कि सबसे बड़े दल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जिसको सबसे ज्यादा सीट्स मिली है, तो यहाँ पे किसको मिली है, पार्टी ए को मिली है ना, सबसे बड़े दल को जो है सरकार बनाने के लिए जो है आमंत्रित करती है, और उसे जो है कुछ दिनों में जो है बहुमत सिद्ध करने के लिए कहती है। मतलब जैसे मैं राष्ट्रपति हूं, मैं उस सामने वाली पार्टी को बोलूंगा कि तुम्हारी पार्टी के पास 220 सीटें हैं, तो मैं तुम्हें 1 महीना दे रहा हूं, 2 महीना दे रहा हूं, कुछ समय निर्धारित कर दिया जाता है, उसमें जो है यहाँ पे क्या करना होता है, उसे जो है यहाँ पे क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है कि हमारी बहुमत हमारे पास। अब वो उसमें कुछ भी कर सकती है, जैसे 3-4 पार्टियों के साथ मिल जाए, क्या है ना, बहुत सारी ऐसी पार्टियां होंगी जिनके पास 20 सीटें होंगी, है ना, 15 सीटें होंगी, है ना,
निर्दलीय पार्टी होती है कुछ ना कुछ, अकेले खड़े हो जाते हैं कुछ प्रत्याशी, उन्हें कुछ सीटें मिल जाती है, तो उनके साथ गठबंधन करके जो है 55 सीटें मिल गई है ना, और वही जो है उन्हें राष्ट्रपति के सामने प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सुनो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ दिनों का यहाँ पे समय मिलता है बहुमत सिद्ध करने का, यदि उस दल का जो है नेता, दल का जो मेन नेता जो आगे चल के प्रधानमंत्री भी बन सकता है अगर वो बहुमत सिद्ध करने में कामयाब रहा, तो यदि उस दल का नेता जो है बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है, है ना, इस्तीफा देना पड़ता है, वह राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने की जो है सिफारिश कर सकता है, लोकसभा को जो है 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। समझ में आ गया यानी क्या होता है? अब यानी ऐसे केस में क्या हुआ, मान के चलो है ना, अब वो जो है जो व्यक्ति जो है जो जो पार्टी का जो नेता है बेसिकली, वो क्या नहीं कर पाया, अपनी बहुमत जो है साबित नहीं कर पाया, है ना, तो क्या होगा उस केस में जो है हमारे उसे जो है क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, और इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है यहाँ पर संसद जो है भंग हो जाएगी, है ना, और इस केस में कौन आ जाएगा, इस केस में हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनका शासन आ जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति जी का जो कुछ दिनों के लिए शासन लग जाएगा, जब तक फिर अब क्या होगा इस केस में, आप बोलोगे सर क्या होगा, कोई है ही नहीं, अब फिर से चुनाव होंगे, है ना, मतलब ये 5 साल से पहले हो सकती है, संसद भंग जो होती है वो 5 साल से पहले ही हो जाती है, ठीक है, पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हो पाता, 5 साल से पहले ही हो जाती है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है, समझ में आया नहीं हुआ जल्दी से बताओ, बताओ बताओ फटाफट से बताओ, आया ना सर ये बैच फ्री है बेटा, फ्री में पढ़ रहे हो तो फ्री है, ऑब्वियसली बात है फ्री है बैच, और 5 साल से पहले ही जो है ऐसे भंग किया जा सकता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकसभा की शक्तियां, हाँ अब लोकसभा की शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं हम, क्या क्या शक्तियां लोकसभा की, तो देखो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर जो है कानून बनाती है, समझ में आ गया, संघ सूची क्या होती है, जिस पर सिर्फ जो है केंद्र सरकार ही क्या बना सकती है, सिर्फ जो है केंद्र सरकार ही यहां पर जो कानून बना सकती है, ठीक है, तो संघ सूची प्लस जो समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची कौन सी होती है, समवर्ती सूची मतलब इसे हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि हमारी जो राज्य सरकार है प्लस हमारी जो केंद्र सरकार है ये दोनों ही कानून बना सकती हैं, तो देखो 3 तरह की होती हैं, एक तो भैया एक तो होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची, है ना, तो समवर्ती सूची में क्या होता है, इसमें जो राज्य है प्लस केंद्र है ये दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं, तो सबसे पहली शक्ति क्या होती है, जो भी संघ के अंदर में जो भी कानून आते हैं वो बना सकती है, जो भी समवर्ती सूची होती है इस पर राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं, इन केस राज्य और संघ के बीच में कुछ मतभेद हो जाता है तो उसमें क्या किसकी सुनी जाती है, तो यहाँ पे समवर्ती सूची की, समवर्ती सूची में जो है यहाँ पे केंद्र की ही बात मानी जाती है, तो इन विषयों पर जो है कानून बनाती है, धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को जो है प्रस्तुत और पारित करती है, तो भैया आपने देखा होगा जो भी मनी बिल वगैरह होते हैं, धन से संबंधित बिल होते हैं, जो भी विधेयक मतलब जो कानून से पहले क्या होते हैं, विधेयक ही तो होते हैं, उसे जो बिल लाया जाता है बेसिकली, बिल लोकसभा में लाते हैं, है ना, राज्यसभा में लाया जाता है, वो जब अप्रूव हो जाता है उसके बाद तो कोई कानून बन पाता है, तो जैसे जितने भी धन विधेयक हैं या फिर जो कोई सामान्य कानून है उनको प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे जो है कौन करता है, उनको प्रस्तुत और पारित कौन करता है, तो लोकसभा भी करती है, लोकसभा राज्यसभा खैर दोनों ही करती है, लेकिन इसमें लोकसभा को भी पूरा पूरा यहाँ पे शक्तियां दी गई हैं, और क्या भाई कर प्रस्तावों, बजट, वार्षिक वित्तीय कर्तव्यों को जो है स्वीकृत करती है, अब आपने देखा होगा भैया बजट वगैरह होता है, बजट वगैरह, वैसे बजट जो होता है वैसे राष्ट्रपति को पावर दे रखी है बजट को प्रस्तुत करने की, लेकिन यहाँ पे उनका जो वो राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपने ब्याह पर जो है किसी और को भी करवा सकते हैं, मतलब जो वित्त मंत्री है उन्हें भी जो है ये काम दे सकते हैं, तो आपने देखा होगा लोकसभा में हमारे जो वित्त मंत्री है वो क्या करती है, जो भी बजट वगैरह होता पेश करती है, कर प्रस्ताव हो गए, वार्षिक वित्तीय जो एक पूरी रिपोर्ट होती है, जो एनुअल रिपोर्ट जो होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होती है वो सब जो है उसी में प्रेजेंट की जाती है, ठीक है, चलिए प्रश्न पूछा पूरक प्रश्न पूछकर प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जो है कार्यपालिका को नियंत्रण भी करती है, भाई आपने देखा होगा ना जो अविश्वास पारित प्रस्ताव पारित होता है, यानी कि जब हमें क्या होता है, जब यहां पर जो है जो गवर्नमेंट चल रही है उसके ऊपर अविश्वास पारित होता है, अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित होता है, कई बार हो चुका है, तो उसमें जितने भी सांसद जो होते हैं अगर वो सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सरकार चल रही है उसे हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि सारी जो सीट्स होती हैं ज्यादातर जो रूलिंग गवर्नमेंट उसकी होती है, तो यहाँ पे हो नहीं पाता, लेकिन कई बार ऐसा हो चुका है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, आप संसद में प्रश्न पूछ सकते हो, पूरक प्रश्न पूछ सकते हो, प्रस्ताव कोई भी प्रस्ताव रख सकते हो, है ना, ये सारी जो चीजें वो लोकसभा में आ जाती हैं, लोकसभा संविधान में जो संशोधन का कार्य करती है भाई, जो जैसा संविधान में आप कुछ भी बदलाव करना है तो वहां पर लोकसभा का बहुत बड़ा रोल होता है, और क्या क्या भाई आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत भी क्या स्वीकृति कौन देती है, ये लोकसभा भी देती है, जैसे आपातकाल लगवाना है तो इसमें जो लोकसभा है उसमें लोकसभा का बहुत बड़ा रोल होता है कि कोई भी आपातकाल वगैरह लगवाना हो तो यहाँ पे लोकसभा उसकी स्वीकृति देती है, और क्या भैया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है और उन्हें जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है,
है ना, ये जो होता है ना कि देखो चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कौन होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करती है, ये जो लोकसभा होती है यही करती है, और न्यायाधीशों का चुनाव भी, न्यायाधीशों को हटाने के लिए या फिर राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी, राष्ट्रपति की हम बात करें है ना, जो इम्पीचमेंट पास होता है ना, इम्पीचमेंट तो ये कौन पास करता है, ये भी हमारी लोकसभा ही पास करती है बेसिकली, है ना। तो राष्ट्रपति को हटाना है, किसी न्यायाधीश को हटाना है, उसके लिए भी जो है हमें, हमारी लोकसभा ही वो सारे काम करती है। और क्या भाई, सीमित और आयोगों का गठन गठन कर समिति समिति सॉरी मैं कहूँ सीमित समिति जो कमेटीज वगैरह होती हैं, है ना, और जो आयोग वगैरह होते हैं उनका गठन भी यही करती है, उनके प्रति वेदन पर भी विचार करती है। समझ में आया यानी क्या होता है बेसिकली? तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है बहुत सारी समिति होती है, कमेटीज होती है, है ना। कमेटीज बनाई क्यों जाती है? तो सरकार को जो है किसी, जैसे कोई भी चीज है, मान के चलो फाइनेंस वगैरह हो, कोई भी चीज है, उस पर जो है अलग अलग कमेटीज बना दी जाती है। उनका काम क्या होता है? इस पर स्टडी करो और बताओ क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सरकार को करना है, है ना। कोई भी चीज है उस पर जो है सरकार को जो है यहाँ पे एक रिकमेंडेशन दी जाती है इन कमेटीज के द्वारा। तो इन कमेटीज का गठन भी कौन करता है? सरकार ही करती है, है ना। और ये जो बड़े बड़े जो आयोग वगैरह है इनका गठन भी कौन करती है? हमारी सरकार ही, हमारी जो लोकसभा है वही करती है। धन विधेयक के केवल जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। भाई धन विधेयक होते हैं, है ना, जो मनी विल जो होते हैं, धन विधेयक मतलब जो मनी विल होते हैं वो सिर्फ किस में पेश किए जाते हैं? वो सिर्फ जो है लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं धन विधेयक, है ना। मनी विल जो होते हैं, जो धन से संबंधित जो होते हैं, जो कानून जो होते हैं, वो सिर्फ जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आखिरी जो स्लाइड बची हुई है इसमें देख लेते हैं, लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक शक्तियां, ये क्वेश्चन है, लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक शक्तियां। देखो राज्यसभा को जो है जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं, समझ में। पहली बात तो ये हो गई कि देखो राज्यसभा को जो है हम लोग नहीं चुन रहे हैं, हम इनडायरेक्टली चुन रहे हैं, जनता जनता थोड़ी चुन रही है, विधायक चुन रहे हैं। संविधान द्वारा जो है अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है जनता के पास अंतिम शक्ति होती है, समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं संविधान की तो यहाँ पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना उसमें जो जनता होती है उसके पास अंतिम शक्ति होती है। यही कारण है कि संविधान ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण लगाने को जो है शक्ति दी है, समझ में आ गया। यही कारण है, या भी आप पूछोगे आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में ही पास क्यों होता है, राज्यसभा में पास क्यों नहीं होता? तो उसका यही कारण है। एक बात बताओ, जनता को, सरकार जो है जनता से धन ले रही है, भैया तुम टैक्स वैक्स देते हो, कर देते हो, तो कौन दे रही है? आम जनता दे रही है। तो ये आम जनता का ही तो हक है ना कि कोई भी निर्णय लेगा तो उनसे ही पूछ के लेगा जैसे जनता ने चुना है। तो यहां पर राज्य सरकार जो है धन विधेयक में क्यों निर्णय लेगी, ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस वजह से क्या होता है, यही कारण है कि भैया जो भी वित्त के निर्णय लिए जाते हैं वो कौन लेती है? लोकसभा ही लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि उसको जो है डायरेक्टली जनता ने चुन के भेजा है, राज्यसभा क्यों लेगी, ठीक है ना। चलिए तो आई होप आपको जो है ये क्लियर हो जाना चाहिए ये सारी जो चीजें। विधायिका का काम क्या होता है, है ना, विधायिका का काम होता है कानूनों को बनाना, जो भी जनता के हित में है उन कानूनों को बनाना किसका किसका काम होता है, वो हमारी विधायिका का काम होता है। कानून अब बनते कैसे हैं भाई, कानून की हम बात करें कैसे बनते हैं। अब देखो यहां पे होता क्या है, जब भी कोई कानून बनता है ना वो सरकार क्यों बनाती है? अब ऐसा नहीं है सिर्फ सरकार के जो लोग हैं, जिस जो सरकार पावर में है यानी कि जो कार्यपालिका में है वही सिर्फ कानून ला सकते हैं, बिल ला सकते हैं। कानून जो है यहां पर बस आप कानून बनाने के लिए या फिर कोई भी बिल लाने के लिए जो है क्या होने चाहिए, आपको जो है सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है, लाइक, है ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रधानमंत्री के अगर उनकी मिनिस्ट्री में नहीं हो तुम, है ना, मंत्रिपरिषद में नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि आप कानून नहीं ला सकते, आप कोई भी बिल नहीं ला सकते, कानून तो नहीं बोल सकते, बिल नहीं ला सकते। आप अगर एमपी हो और अगर आप सरकार का हिस्सा नहीं भी हो ना तो भी आप जो है कानून, आप जो है बिल जो है ला सकते हो। अब चाहिए सर बिल, बिल क्या बोल रहे हो, बिल का मतलब क्या होता है? तो देखो कोई भी कानून जब बनता है ना उससे पहले वो बिल होता है, क्या होता है भाई, वो बिल होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप बोल सकते हो विधेयक, है ना, बिल बोल सकते हो आप, इंग्लिश में बिल बोला जाता है। तो यानी कि आप जैसे मान के चलो कोई भी आप कानून पास करना चाहते हो तो उससे पहले आपको बिल लाना पड़ेगा। बिल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये वैसा वाला बिल नहीं है, कोई आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये बिल का वहां पे मतलब ये है कि एक पूरा जो चिट्ठा होता है ना बेसिकली, मतलब एक पूरा जो ड्राफ्ट होता है, यानी कि आप कानूनों में आप जैसे जो भी कानून बनेगा उसमें क्या क्या आप रख रहे हो, वो भी चीजें जो रख रहे हो, जैसे जैसे मेरे को कोई चीज प्रेजेंट करनी है आपके सामने, मैं कोई चीज जो है लागू करवाना चाहता हूँ आपकी क्लास में, आपके स्कूल में, तो उस चीज को लागू करने से पहले मैं पूरा एक ड्राफ्ट बनाऊंगा, उसका पूरा एक लेखा जोखा तैयार करूंगा और आपके प्रिंसिपल के सामने रखूंगा कि सर देखो ऐसी ऐसी चीज है, मेरे को ऐसी ऐसी चीजें जो है आपके स्कूल में लागू करवानी है। फिर क्या होगा, फिर प्रिंसिपल जो होंगे और बाकी के टीचर्स होंगे उस चीज को देखेंगे, है ना, बहस होगी उस पर, उसके बाद जाके क्या होगा, उस पर सब साइन कर देंगे, मंजूरी दे देंगे, उसके बाद आपके मेन जो प्रिंसिपल है उनके पास जाएगा यानी कि राष्ट्रपति के पास जाएगा, है ना, और वो जब साइन कर देंगे तो वही जो बिल होता है वो कानून बन जाता है, ठीक है। ये सीन होता है, ये ऐसे जो है कानून पास होता है। तो मैंने थोड़ी सी एक आपको मोटा मोटा बताया है बेसिकली कि भैया जब भी कोई कानून बनता है तो सबसे पहले ये देखी जाता है, ये देखा जाता है कि कोई भी हम कानून बना रहे हैं, जिस भी मुद्दे पर कानून बन रहा है तो उसकी सच में जरूरत है या नहीं है, उसका कुछ फायदा होगा नहीं होगा, समाज को उसका फायदा होगा या नहीं होगा। कभी कभी कानून ऐसे भी बनाए जाते हैं जो आम जनता होती है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, सूचना का अधिकार जो था ये बहुत जरूरी था,
मतलब सरकार क्या कर रही है, सरकार का जो भी लेखा जोखा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, उसकी पूरी सूचना लेने का आम जनता के पास अधिकार होना चाहिए। तो आम जनता ने इस चीज का क्या किया, आंदोलन किया, विरोध किया कि भैया देखो यहां पर जो है क्या होना चाहिए। यहां पर सरकार का विरोध बहुत हुआ कि भैया सरकार जो हमें सूचना का अधिकार क्यों नहीं दे रही है। फिर क्या हुआ भाई, जब जनता ने बहुत विरोध किया तो सरकार यहां पर एक बिल ले आती है, उस बिल का नाम क्या था भाई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार बिल। अब इस पर बहुत सारा बहस होती है और इस बिल को जो है एकदम डाल दिया जाता है भैया, पूरे कानून बना दिया जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है बना दिया जाता है। तो यहां पे हुआ क्या, यहां पे सरकार जो थी उसने क्या किया, उसने जो है यहां पर जनता की जरूरतों को समझा और बिल ला के जो है उसे कानून बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी कानून जब पास किया जाता है, या तो सरकार जो है उसको उसकी जरूरत महसूस हो रही है कि नहीं ये पब्लिक के लिए वेलफेयर वाली बात है, या फिर सरकार को जो है दिख रहा है यहां पे कि ये जो कानून है पास कर देना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो नई जो आप बोल सकते हो एजुकेशन पॉलिसी, जो नीतियां आई हैं एजुकेशन को लेके, तो उसमें आपने देखा ये भी एक पूरा बिल पास हुआ, बहुत सालों तक स्टडी हुई उसके बाद जो है जाके बिल पास हुआ है, है ना। तो सरकार को लगा कहीं ना कहीं हमें अपनी एजुकेशन जो है, हमारी हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें जो है हमें बदलाव लानी चाहिए, तब जाके जो है यहां पर एजुकेशन बिल जो है, शिक्षा बिल जो है, शिक्षा नीति जो है यहां पर एजुकेशन बिल जो है पास हो गया। अब पूरे भारत में जो है नई शिक्षा नीतियां जो है अपनाई जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी अगर कानून आता है तो उसकी पहले जरूरत होनी चाहिए, सरकार को लगेगा कानून का फायदा है तभी जो बिल है वो आएगा और पास हो पाएगा, है ना। अगर वो ऐसे ही बेकार का बिल है, है ना, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा जनता का, आम जनता का, आम जनता की भलाई के लिए नहीं है वो, तो वो जो बिल है वो पास नहीं हो सकता, है ना, वो कानून नहीं बन सकता। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बोलो हाँ या ना, फटाफट से बोलो। ठीक है, तो उसी की हम बात करेंगे। तो भाई थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कानून बनने की जो है प्रक्रिया क्या होती है, क्या क्या प्रक्रिया होती है कानून बनने की। अच्छा, पहले क्या होता है भाई, एक बिल होता है ना, विधेयक, है ना, इसे हम बोलते हैं बिल। विधेयक का मतलब किसी चीज की विधि जो होती है, करने की विधि होती है, जिसे हम बिल बोल सकते हैं, विधेयक बोल सकते हैं। वो बिल जो होता है वो पास होता है ना। अब बिल भी दो तरह के होते हैं, है ना, बिल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है भाई सरकारी विधेयक, एक होता है भैया सरकारी विधेयक, और दूसरा होता है निजी या गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक को सबसे पहले देख लेते हैं। सरकारी विधेयक मतलब आपको पता होना चाहिए, जो विधेयक है यानी कि जो बिल पास किया जा रहा है ये सरकार के द्वारा, यानी कि देखो ये जो पूरी बड़ी संसद है इसमें कौन लोग बैठे हुए हैं, इसमें भाई सरकार, यानी कि इसकी सरकार बनी है, उदाहरण के लिए बीजेपी, है ना। अरे इसके अलावा दूसरे भी तो एमपीज वगैरह बैठे हैं, अरे जिनको सीट्स जिन्होंने जीती हैं अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से, जिन लोगों ने सीटें जीती हैं वो भी तो यहां पे बैठेंगे ना। अरे भैया अभी की बात करूं तो बीजेपी के पास कितनी सीटें होंगी, लगभग शायद 301 सीटें हैं, बाकी की बची कितनी, बाकी की बची 244 जो सीटें हैं उस पर तो कोई दूसरे लोग बैठे होंगे ना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं संसद की, मैं बात करूं, अगर मैं लोकसभा की बात करूं, राज्यसभा की बात करूं, तो यहां पर क्या है भाई, यहां पे बीजेपी की सरकार बहुमत में है ये तो माना मैंने, लेकिन और भी तो लोग बैठे हैं ना, और भी तो एमपीज बैठे हैं ना यहां पे। तो यहां पे सरकारी विधेयक क्या होता है, ये एक साधारण विधेयक होता है, काइंड ऑफ साधारण विधेयक होता है, और ये जो है आप बोल सकते हो सरकार का कोई, सरकार के जो मंत्री वगैरह होते हैं इनके द्वारा लाया जाता है ये जो बिल है, सरकार की जो मंत्री परिषद है, सरकार मतलब नरेंद्र मोदी, इनके जो मंत्री लोग हैं ये जरूरत देखते हैं पब्लिक की, और ये जो बिल है ये कहां लाते हैं, ये लोकसभा या राज्यसभा में जो है लाते हैं, बिल लाते हैं। इसे हमने क्या बोल दिया, इसे हमने सरकारी विधेयक बोल दिया, और इसमें जो है काइंड ऑफ क्या है, ये साधारण विधेयक है, जैसे नॉर्मली होता है कि भाई सरकार का कोई मंत्री है वो बिल लाएगा, वो बताएगा क्या क्या जरूरतें हैं। जैसे भैया कोई भी बिल है, मान के चलो कोई भी, जैसे शिक्षा को लेकर चलो, है ना, शिक्षा, तो शिक्षा मंत्री जो होगा वो क्या करेगा, वो जो बिल है वो पास करेगा, वो पास नहीं करेगा, बिल जो है प्रेजेंट करेगा, बिल जो है अपना प्रस्तुत करेगा और अपनी पूरी प्लानिंग बताएगा, ये चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है भाई, देखो अब यहां पर जो साधारण बिल है ना, ये भी दो तरह के हैं। पहला है भैया सामान्य विधेयक, यानी कि कोई भी जो चीजें हैं सामान्य तरह से जो है यहां पर हम कंप्लीट कर लें। और दूसरा है भैया संविधान संशोधन विधेयक, है ना, यानी कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे हम जो है संविधान में बदलाव करके जो है वो बिल पास कर रहे हैं, संविधान में बदलाव करने के लिए जो है वो बिल पास कर रहे हैं। इन दोनों को जो हम अच्छे से पढ़ेंगे और आगे। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है भैया, हाँ इसकी हम बात कर लेते हैं, साधारण विधेयक हो गया, सरकारी विधेयक दो तरह के, एक तो साधारण विधेयक हो गया, है ना, इसमें दो तरह है भाई, सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों की हम बात करेंगे अभी, है ना। दूसरा है भाई धन या वित्तीय विधेयक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक यानी कि मनी बिल जो होते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मनी और फाइनेंस बिल बोलते हैं, दो तरह के होते हैं, है ना। तो देखो सरकारी विधेयक दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है ये साधारण विधेयक, इसके भी दो हिस्से हैं, इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और दूसरा होता है धन या वित्तीय विधेयक, यानी कि जो धन से संबंधित विधेयक होते हैं। अरे भैया जो पैसा है सरकार के पास कहां आता है, कहां से आता है, हम ही तो सरकार को पैसा देते हैं, तो अगर कोई भी विधेयक ऐसा है जो किससे संबंधित है, जो वित्तीय यानी कि पैसे से संबंधित है, है ना, धन से संबंधित है, ऐसे विधेयक को जो है हम अलग से, हम इस उसे अलग जाल देते हैं। ये जो विधेयक है सिर्फ लोकसभा में आते हैं, लोकसभा वालों ने हां बोल दी तो बस,
लोकसभा में ही पास होते हैं, राज्यसभा से बस रिकमेंडेशन ली जाती है ना, उनसे जो है परामर्श लिया जाता है, बाकी जो है यहाँ पे लोकसभा में अगर वो पास हो जाता है तो उसे पास हुआ मान लिया जाता है ना, राज्यसभा में जो है जाने की जरूरत नहीं होती। और राष्ट्रपति की भी हम बात करें तो राष्ट्रपति को भी इसमें जो है साइन करने पड़ते हैं, है ना, वो भी रिकमेंडेशन के लिए भेज नहीं सकता दोबारा। तो यहाँ पे ये सारे बिल हैं, इन सबकी बात जो है हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अब बात कर लेते हैं विधेयक दो प्रकार के, भाई सरकारी विधेयक की बात कर लेते हैं पहले। सबसे पहले हम सरकारी विधेयक की जो है बात कर लेते हैं। देखो सरकारी विधेयक की मैं बात करूं तो यह विधेयक जो है जिसे सरकार का कोई मंत्री है ना, जैसे बात करूं मैं नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी के अंडर में बहुत सारे मंत्री हैं भाई, उनकी मिनिस्ट्री में कौन से मंत्री है भाई, एस जयशंकर प्रसाद है ना, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है ना, निर्मला सीतारमन है, बहुत सारे जो है मंत्री हैं। तो यहां पे क्या होता है, यह विधेयक जो है जिसमें सरकार का ही कोई इंसान जो होता है, जो सरकार पावर में है उसका कोई इंसान जो होता है, उसका जो मंत्री जो संसद होता है वो क्या करता है, वो इस बिल को जो है प्रस्तुत करता है, ठीक है। जैसे कोई भी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी बिल पास करना है ना, पास करना है तो उसको प्रस्तुत कौन करेगा, तो राजनाथ सिंह करेंगे भैया, वही तो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, उन्हें नॉलेज है थोड़ी वो, तो करेंगे वो, ठीक है। चलिए सरकारी विधेयक जो है कहलाता है, यानी कि कोई सरकार का इंसान कर रहा है, सरकार का जो मंत्री है वही कर रहा है, तो उसे हमने क्या बोल दिया, सरकारी विधेयक बोल दिया। अच्छा अब सरकारी विधेयक भी दो तरह के थे भाई, है ना, एक तो सामान्य विधेयक और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। जल्दी से क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। चलिए तो देखो यहां पर हम जब आप कोई भी संविधान में संशोधन करना चाहते हो, या आर्टिकल 368 के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, आर्टिकल 3 सर समझ में नहीं है बेटा, ध्यान से पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा ना, ध्यान सर मैं गई थी स्कूल। अच्छा बेटा देखो बातें मत करो, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ना, जब पढ़ा रहा होता हूं तो बातें नहीं की जाती, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो बेटा, आगे काम आएंगी ये चीजें, यूपीएससी वगैरह पढ़ोगे तो ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं, अभी से अगर अच्छे से बेस क्लियर हो जाएगा तो आगे जो है दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लो बेटा, थोड़ा सा पढ़ लो, है ना, है ना। जैसे आपको देखो संविधान संशोधन, संविधान को संशोधन करने का आर्टिकल कौन सा, 368 है ना, 368 ये आर्टिकल याद रखना, है ना। तो देखो साधारण विधेयक की हम बात करें, साधारण विल की बात करें, ये भी दो तरह के होते हैं, सामान्य विल, सामान्य विधेयक, या फिर आप बोल सकते हो संविधान संशोधन विधेयक, यानी कि हमें संविधान में कोई संशोधन करना है, कोई बदलाव करना है उसके लिए, ठीक है। चलिए तो उसकी बात कर लेते हैं, हम साधारण विधेयक देख लेते हैं। तो देखो धन या वित्तीय विधेयक को जो है छोड़कर धन से संबंधित जो भी बिल है, आप कोई भी कानून लाना चाहते हो धन से संबंधित या फिर वित्तीय संबंधित, कोई भी धन या पैसा दोनों एक चीज, धन या वित्तीय, मतलब मैं बात करूं वित्तीय विधेयक, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा बड़ा टर्म हो जाता है, और धन विधेयक जो है वो इसी का पार्ट है, वित्तीय विधेयक है, ठीक है ना, तो याद रखना, है ना। और ये किस आर्टिकल कौन सा है इसका, ये भी याद रखना, इसका जो आर्टिकल है 109 और 110 है ना, इसके जो है ये आर्टिकल है धन विधेयक के, याद रखना 110 और 109, ये जो आर्टिकल है किसके बारे में, धन विधेयक के बारे में, ठीक है। तो देखो धन विधेयक और वित्तीय विधेयक को छोड़कर जितने भी विधेयक है, जितने भी बिल है वो किसमें आते हैं, वो जो है साधारण विधेयक में आते हैं। तो वही बोल रहा है कि धन विधेयक या वित्तीय विधेयक को छोड़कर सभी सरकारी विधेयक जो है साधारण विधेयक में आते हैं, जैसे कि भैया जनता से जुड़ी मामलों, जैसे यहां पे उदाहरण भी दिया गया है, जैसे जनता से जुड़ी मामलों के लिए जो है कोई नया कानून बनाना है तो यहां पे संविधान में जो है कोई संशोधन करना हो तो यहां पे क्या आता है, यहां पे जो है साधारण विधेयक, तो यहां पे हम बोल सकते हैं साधारण विधेयक का जो है हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमें कोई भी विधेयक लाना हो चाहे वो जनता से संबंधित हो, है ना, चाहे हमें क्या करना हो, चाहे जो है हमें चाहे कोई संविधान में संशोधन करना हो, तो वो जो है हम क्या करते, वो जो है साधारण विधेयक से ही जो है हो जाता है, ठीक है। चलिए तो साधारण विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य विधेयक और एक संविधान संशोधक विधेयक। तो ये तो मैंने आपको बताई दिया है कि हमें देखो कोई भी बिल जो होता है, कोई भी विधेयक जो है, खाली वो धन विधेयक और वित्तीय विधेयक नहीं होना चाहिए, है ना, धन विधेयक वित्तीय विधेयक नहीं होना चाहिए, इसे छोड़कर जो भी विधेयक है, जैसे कि जनता से जुड़े हुए मामले हैं बहुत सारे, है ना, बहुत सारे मामले होते हैं, बहुत सारे मामले होते हैं, जैसे कि बात, जैसे मैंने बताया अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, सूचना का अधिकार, फिर जैसे कंज्यूमर एक्ट 1986 में पास हुआ था, ये कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता जो आंदोलन, जो उपभोक्ता जो अधिकार आंदोलन जो थे ये शुरू हुए थे, तो उपभोक्ता आंदोलन जब स्टार्ट हुए तो उसके संबंधित जो है एक एक्ट लागू कर दिया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भाई, है ना, हमारी जो है ये वन्य जीवन को बचाने के लिए अलग से कानून पास कर दिए, है ना, तो ये क्या है भाई, ये सब आम जनता की भलाई के लिए हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरे यहां पर बोला गया है, जब हम संविधान में संशोधन करते हैं, संविधान में भी जो कुछ बदलाव करना चाहते हैं उसके लिए, तो ये किसका हिस्सा हो जाएगा, ये भी जो है साधारण विधेयक का ही जो है हिस्सा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे बारे में, धन या वित्तीय विधेयक, यानी कि हमने इसके बारे में बात कर ली सामान्य विधेयक, और हमने संविधान संशोधन के बारे में बात कर ली, ये दोनों ही साधारण विधेयक से जो है बोले जाएंगे, मतलब ये किसमें आएंगे, ये साधारण विधेयक में आएंगे, ठीक है। और इन्हें कौन पास करता है, ये तो इनको जो सरकार का जो मंत्री होता है वो पास करता है। अब हम बात कर लेते हैं धन या वित्तीय विधेयक के बारे में, तो नाम से लग रहा है ना धन और वित्तीय, यानी कि जो भी मसला है, जो भी बिल है, जो भी कानून बनने वाला है वो धन से संबंधित और वित्तीय फाइनेंस से संबंधित जो है यहां पे बिल बनने वाला है, ठीक है। अच्छा इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो देखो वह विधेयक जो किसी
नए कर, मतलब कोई एक नया टैक्स ला रहे हैं भाई, जीएसटी वगैरह आई थी, जीएसटी क्या थी भाई, जीएसटी जो आया था, जीएसटी पास नहीं हुआ था उससे पहले जीएसटी क्या था, तो जीएसटी सच में क्या था, जीएसटी एक धन विधेयक था, है ना। तो देखो नए कर छूट है ना, अन्य वित्तीय लेन देन जो भी अलग नए वित्तीय लेन देन होते हैं ये। अच्छा अब एक मेन क्वेश्चन आएगा कि सर ये डिसाइड कौन करता है, मतलब कोई भी बिल पास किया ये कौन निर्णय लेगा कि ये जो बिल है ये धन या वित्तीय विधेयक है या फिर साधारण विधेयक है, कौन पता कैसे चलेगा। तो ये इसका जो डिसीजन होता है, इसका जो निर्णय लिया जाता है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा लिया जाता है, याद रखना लोकसभा स्पीकर के द्वारा, ठीक है ना। तो देखो यहां पर वही बोल रहा है कि देखो नए कर और नए छूट और ये नए नए जो वित्तीय लेन देन होते हैं उनसे संबंधित जो भी विधेयक वगैरह आते हैं उन्हें हम जो है आप बोल सकते हो ये धन विधेयक द्वारा जो है उसमें डाल दिया जाता है, धन विधेयक में जो है आ जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ किसमें पास होते हैं, याद रखना लोकसभा में, लोकसभा में मंजूरी मिल जाती है एक बारी परामर्श के लिए, एक एडवाइस के लिए जो है राज्यसभा में भेज दिए जाते हैं, उन्हें 14 दिन के अंदर जो बताना होता है, अगर वो 14 दिन के अंदर नहीं बता पाते या फिर अपनी कोई रिकमेंडेशन वगैरह देते हैं, मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर होता है ना, तो वो जो है पास कर दिया जाता है खाली लोकसभा में। उसका भी एक कारण है भाई, क्योंकि लोकसभा को किसने जिताया है, लोकसभा को जो है आम लोगों ने जिताया है, और भाई बिल जो है मतलब धन विधेयक जो है धन इस्तेमाल किसका हो रहा है, आम जनता का, आम जनता ने ही तो सरकार को दिया है भाई कर के रूप में, तो सिर्फ यहां पे लोकसभा की ही पावर होती है और इसमें जो है राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आई होप आपको इतना जो है क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ हाँ या ना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ फटाफट से बोलो जल्दी से। और हाँ वो जो चैनल है हमारा आर्ट्स वाला बिल्कुल जो है सब्सक्राइब कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बार बार बोलूंगा मैं, क्योंकि मंडे से जो है क्लास इस चैनल पर नहीं होगी, मंडे से जो क्लास है वो इस चैनल पर नहीं होगी। फिर आप बोलोगे सर क्लासेस होना बंद हो गई हैं, मंडे पे इस चैनल पर जो है क्लास नहीं होगी, याद रखना, ठीक है। तो चलो धन विधेयक का मतलब भी जो है समझ में आ गया होगा। अच्छा अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, हमने इतना जो है पढ़ लिया, अब बात कर लेते हैं निजी या गैर सरकारी विधेयक। अब यहां पर लग रहा है ना निजी या गैर सरकारी विधेयक, यानी कि यहां पर कोई एक ऐसा इंसान, कोई ऐसा मंत्री बिल को पास कर रहा है जो सरकार का हिस्सा नहीं है, मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, एमपी होगा, वो सीट जीत के आया होगा अपने निर्वाचन क्षेत्र से, लेकिन वो जो है सरकार का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे विधेयक जो पास कर रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, ऐसे विधेयक को हम निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक बोल देते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा अब यहां पे एक बात आपको समझनी होगी, शायद मैं लिख के नहीं लाया, ऐसी बोल देता हूं मैं, कि जब ये विधेयक पास होते हैं, जब ये विधेयक जो है पास होते हैं तो याद रखना यहां पर क्या होता है, बहस वगैरह जो होती है ना कौन करता है, तो अलग अलग कमेटीज बना दी जाती हैं, समितियां बना दी जाती हैं अलग। इन समितियों का काम क्या होता है कि देखो अब जैसे जो बिल पास कर रहे हैं उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, जैसे हम बात करें एजुकेशन बिल है ना, जो भैया शिक्षा नीति जो थी, एजुकेशन बिल लाया गया तो उस पर पहले बहुत रिसर्च हुई है, बहुत सालों तक है ना कमेटी बनी थी, रिसर्च हुई बहुत ज्यादा। वो कमेटी जो है क्या करती है, वो सरकार को रिकमेंडेशन देती है कि ये ऐसे ऐसे चीजें जो है होंगी, ठीक है। तो पहले क्या होता है, जब कोई भी बिल आ रहा होता है उससे पहले जो है बहुत सारी समितियां कमेटियां बना दी जाती हैं, है ना। जैसे हम बात करें स्थाई और अस्थाई होती हैं, एडहॉक और स्टैंडिंग कमेटी, है ना। स्थाई की हम बात करें वो स्थाई रहती है, जैसे हमेशा परमानेंट होती है, और जब भी कोई कानून वगैरह पास होता है तो अपना परामर्श वगैरह देती है कि सरकार को ऐसे करना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि जितने भी एमपीज वगैरह होते हैं उनके पास इतनी ज्यादा जो है ये इतने ज्यादा कुशल नहीं होते कि हर फील्ड में अच्छी नॉलेज हो उन्हें, है ना। तो यहाँ पर वो बड़े बड़े जो लोग हैं, लाइक जैसे आप आईएएस वगैरह बनना चाहते हो तो इन कमेटीज में आईएएस वगैरह जो है लिए जाते हैं, या फिर किसी भी क्षेत्र, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में वो जो बिल पास हो रहा है तो उससे संबंधित जो है बहुत सारे जो एक्सपर्ट वगैरह होते हैं वो लिए जाते हैं, वो सरकार को क्या करते हैं, वो सरकार को रिकमेंडेशन देते हैं, है ना। ये भी दो तरह की होती हैं, स्थाई और अस्थाई, है ना। एडहॉक कमेटीज होती हैं और स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। तो एडहॉक जो होती है, यानी कि आप बोल सकते हो अस्थाई बोल सकते हो इसको, है ना, ये तदस्थ बोल सकते हो इसको, ये जो कमेटी होती है बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये जो है आप बोल सकते हो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए होती है। जब वो पर्टिकुलर चीज कंप्लीट हो जाती है, पर्टिकुलर जो बिल जो है पास हो जाता है, है ना, तो उसके बाद जो है ये हट जाती हैं, मतलब इसको जो है हटा समाप्त कर दिया जाता है, मतलब कुछ जो एक लिमिटेड, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर चीज के लिए अपॉइंट की गई होती है कमेटी, उसे हम स्टैंडिंग एडहॉक कमेटी बोल देते हैं। अस्थाई कमेटी मतलब स्थाई नहीं है, अस्थाई है। और स्टैंडिंग कमेटी की बात करूं, स्थाई कमेटी की बात करूं हम मैं, तो ये जो कमेटी होती है बेसिकली ये स्थाई रहती है, ये परमानेंट बनी रहती है, है ना। तो बिल जब पास होता है तो बहस कहां होती है, तो जो राज्यसभा में लोकसभा में तो होती होती है, लेकिन उससे पहले जो है जो कमेटी वगैरह होती है, जो कमेटी बनाई जाती है, समितियां बनाई जाती हैं, उनमें पूरी बहस वगैरह होती है, पूरे जो चीजें होती हैं वो डाली जाती हैं, हर तरीके से जो है उस बिल को देखा जाता है कि क्या-क्या चीजें रहने वाली हैं उसमें, उसके बाद जो है वो लोकसभा राज्यसभा में आता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी, जल्दी से बताओ हां या ना, जल्दी से बोलो हां या ना, फटाफट से बोलो, जल्दी से बोलो, अरे बोलो 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 जल्दी से फटाफट से, फास्ट फास्ट, अरे बेटा क्या नहीं आया, आ गया ना समझ में, पक्की बात है बेटा, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ध्यान से देखो, डाउटनेट आर्ट्स के नाम पे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि देखो हमें जो है विधेयक यहाँ किसी कानून की क्या आवश्यकता है। अब भाई ये तो वही सवाल आ गया जो मैंने बहुत पहले बारी बोला था, भाई ये कानून की आवश्यकता क्यों है हमें? अरे कब जब कोई कानून ही नहीं होंगे देश में तो देश कैसे चलेगा भाई, है ना? एक जो सभ्य देश जो होता है, एक सिविलाइज्ड जो देश होता है वो कैसे चलता है? वो भाई जो कुछ जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उन पर चलता है भाई, कुछ कानून होते हैं उन पर चलता है, और बिना कानूनों के जो है कोई भी देश नहीं चल सकता। मैंने उदाहरण भी दिया था आपको क्रिकेट मैच का, आप सोच के देखो क्रिकेट मैच जो हो रहा है बिना किसी नियम कानून नियम के हो रहा है, नियम वगैरह कुछ है ही नहीं, है ना? सब ऐसे ही खेल रहे हैं, है ना? आपने छक्का मारा आपको चौका दे दिया, जिसके पास ताकत ज्यादा है उसको छक्का का 6 रन दिए और जिसकी ताकत ज्यादा है उसको छक्के के 4 रन दे दिए, ठीक है? तो ये बिना सेट ऑफ रूल्स के हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, वो जो गेम है कंप्लीट हो पाएगा क्रिकेट गेम? वैसे अगर आप देश के बारे में सोचोगे, अगर देश में कोई कानून ही नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा भाई? जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वो सामने वाले पे दबदबा बनाने की कोशिश करेगा, है ना? मारकाट लूटपाट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कानून की तो आवश्यकता होती होती है, बिना कानूनों के जो है कोई भी देश सर्वाइव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखा पहली पहला यहाँ पे पॉइंट क्या दे रखा है, कोई भी राजनीतिक दल अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए जो है या आगामी चुनाव में जो है जीतने के इरादे से किसी विधेयक को जो है संसद में प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर जो है दबाव डाल सकता है। समझ में आ गया? यानी कि देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो कोई भी राजनीतिक दल है ना, अभी क्या करते हैं, अब भाई जब आपने देखा होगा ये चुनाव वगैरह होते हैं तो अलग अलग राजनीतिक दल जो होते हैं अलग अलग वादे करते हैं कि हम जब जीत जाएंगे ये करवाएंगे वो करवाएंगे। तो ये क्या करते हैं भाई, ये जो है सरकार पर दबाव भी डालते हैं। जैसे इन्होंने कोई वादा किया, मान के चलो जीत नहीं पाए, अभी क्या करेंगे सरकार पर दबाव डालेंगे कि ये क्या करो तुम, ये जो बिल है ना, ये कानून जो है, ये बिल लेके आओ, विधेयक जो है लेके आओ, पास करवाओ, ये सरकार पर जो है दबाव डालते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है भाई, इससे जो है सरकार, इससे जो है आम जनता का ही भला होता है। और क्या है, जैसे लोक हितकारी, जैसे हम बात करें जब बीजेपी थी, बीजेपी जब सरकार पावर में नहीं थी तो उसने क्या बोला था, हम 370 हटा देंगे, राम मंदिर बनवा देंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादे भी पूरे किए, है ना? जब सरकार में आ गई तो, है ना, लोक हितकारी कार्य को करने के लिए जो है या अनेक हित समूहों के द्वारा मीडिया और नागरिक संगठन भी जो है किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए जो है सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। समझ में आ गया? यानी कि कोई भी, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे जो समाज के लिए हित का काम करते हैं, बहुत सारे दबाव समूह होते हैं, है ना, बहुत सारी मीडिया वगैरह होते हैं, ये जो सारे संगठन होते हैं ये भी जो है सरकार पर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि जो आम लोग होते हैं जिन्हें उन कानूनों की जरूरत होती है जो उनके भले के लिए है, तो उनका भी जो है इन लोगों के पास सपोर्ट होता है, और जब इन लोगों का सपोर्ट होता है तो सरकार पर भी कहीं ना कहीं दबाव आता है। अगर सरकार वो जो है वो काम नहीं करेगी तो अगले जो चुनाव होंगे उनमें जो है इनको जीत नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये सारी चीजें, अच्छा, कोई भी सरकार अपने जो है योजनाओं को पूरा करने के लिए जो है अथवा जनता के लिए किए गए वादों को पूरा करने के लिए संसद में विधेयक ला सकती है। मतलब जैसे मान के चलो सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है भैया, 370 हटा दी भाई, 370 जो थी हटा दी वो, है ना भैया? कश्मीर जो था वो अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, ठीक है? तो भाई ऐसे बहुत, जैसे राम मंदिर बन गया, तो ये सारी जो चीजें हैं वो भाई कोई भी सरकार जो होती है वो वादे करती है, सरकार बनाने से पहले वादे करती है, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, तो ऐसा करने के लिए भी जो है यहाँ पे विधेयक लाती है, है ना? वर्तमान परिस्थिति में जो है यदि संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो तो सरकार संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत कर सकती है। तो मैंने बताया आपको साधारण विधेयक का ही एक हिस्सा होता है, आर्टिकल 368 जो है वो हमें राइट देता है, वो हमें बताता है कि कैसे कैसे जो हम किसी संविधान में जो है संशोधन कर सकते हैं। वो बोलता है हम संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन जो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है, एक जो संरचना जो है हमारे संविधान की, उस पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। हम जैसे टाइम के हिसाब से जो है, देखो समय बदला है ना, चीजें बदली, लोग बदले, तो यहाँ पे उस हिसाब से जो है हमारे संविधान में भी कुछ ना कुछ बदलाव आते रहे हैं, बहुत सारे जो है अमेंडमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे संशोधन हुए हैं, और वो होने भी चाहिए, है ना, जरूरत के हिसाब से, तो वो भी हम जो है ला सकते हैं, ठीक है ना? चलिए ये भी सारे चीजें। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे एक पॉइंट है, कानून बनाना जो है केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रक्रिया है। तो भाई देखो अगर कानून बनाने की हम बात करें ना, तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई जो लोग वहां पे बैठे गए हैं बैठे हुए हैं वो सिर्फ कानून पास कर देंगे हो जाएगा, भाई वो एक उसे राजनीतिक प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है वो आप इस टॉपिक में समझोगे क्या है इसका मतलब, ठीक है? चलिए देखो विधेयक बनाने में जो है एक बात का जो है ध्यान रखा, जिन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कानून लागू करने के लिए जो है जरूरी संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे। मतलब बात क्या है भाई, जैसे आप कोई भी कानून बना रहे हो, है ना, यहाँ पे क्या बोला गया, पहले पॉइंट में बोला गया है कि देखो जो विधेयक है, जो बिल पास होना है, उसके लिए कुछ खास बात का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज क्या है कि भाई कानून लागू करने के लिए जो है जरूरी संसाधन कहां से जुटाएंगे। संसाधन का मतलब यहाँ पे क्या है, है ना, संसाधन मतलब जो हमारी चीजों को जरूरत पूरा कर रहे हैं। तो मैंने बताया जैसे कि भाई कमेटी वगैरह बनाई जाती है ना, उन कमेटी में बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भाई इधर उधर से जो है जितनी भी चीजें होती हैं, रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, जो भी स्टडी वगैरह होती है, वो क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, उन्हें इंटरप्रेट करते हैं, और पूरा एक जो है ड्राफ्ट तैयार करके, पूरा जो चिट्ठा होता है वो तैयार करके, लेखा जोखा तैयार करके जो है ड्राफ्ट तैयार करके सरकार के सामने रखते हैं, देखो ऐसे ऐसी चीज है, ऐसे ऐसे होना है,
ठीक है। चलिए और क्या विधेयक का कितना समर्थन और कितना विरोध होगा चुनाव में, इस कानून का जो है क्या प्रभाव होगा, आदि समस्याएं जो है राजनीतिक फैसले होते हैं, है ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला राजनीतिक प्रक्रिया है एक, भैया जो भी आप कानून पास कर रहे हो उस पर पूरा सारा का सारा जो है यहां पर राजनीति पर फर्क पड़ेगा। अगर कानून बहुत अच्छा है, जनता खुश हो गई, तो भैया अगले चुनाव में तुम जीत जाओगे, समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं मैं, है ना। तो यहां पर वही है कि अगर भाई कोई कानून, सिर्फ ये विधायी प्रक्रिया नहीं है कि भाई कानून बना दिया हो गया, भाई जो सरकार जो है आगे सरकार बनेगी या बिगड़ेगी वो भी इस चीज पर निर्भर करता है। ठीक है, जनता ज्यादा खुश होगी आपने कोई कानून ऐसा पास करवा दिया 370 हट गया, मंदिर बन गया, तो ये क्या है भाई, जनता खुश है तो शायद जिता दे। अब मैं ये नहीं कह रहा जीतेगी भाई, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी क्या पता जीत जाए, है ना। तो यहां पे वही है कि देखो जो विधेयक पास हो रहा है उसको कितना समर्थन मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी चीज है ना। उसका कितना विरोध हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी चीज है ना। और यहां पे जो आने वाले चुनाव है उस पर इस चीज का क्या फर्क पड़ेगा, तो ये क्या है भाई, ये सारी जो है राजनीतिक प्रक्रिया भी है एक तरह की, है ना। यदि जो है गठबंधन सरकार है, मान के चलो कोई सरकार जो है, अभी तो खैर नहीं है ऐसी, यानी कि कोई गठबंधन सरकार है, मान के चलो दो तीन जो राजनीतिक दल है वो अपनी मिलकर सरकार चला रहे हैं, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में तो भैया तुम्हें ये भी तो होगा कि जो तुम्हारी सहयोगी पार्टी है जिन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया था सरकार बनाने में, अब वो मंजूर है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है गठबंधन की जो सरकार होती है इनके बीच में लड़ाइयां हो जाती हैं, फिर वो अपनी बहुमत खींच लेती है भाई, अपना सपोर्ट हटा देती है, तो इससे क्या होता है सरकार गिर जाती है ना। तो ये भी बहुत जरूरी है कि भाई जो गठबंधन की सरकार है वो अपनी पार्टी को, यानी कि जो सहयोगी पार्टी है उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, जो सहयोगी पार्टी है उस गठबंधन वाली सरकार को, उसमें जो मेन सरकार है, जो मेन राजनीतिक दल है उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, है ना। तो वही लिखा है यदि गठबंधन सरकार है तो सहयोगी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है उस चीज पर, कि आप जो मेन पार्टी थे, मान के चलो आपको 30 सीटों की जरूरत थी बहुमत के लिए, तो 30 सीट जो है किसी दूसरी पार्टी के पास थी, उसने आपको सहयोग कर दिया, अब पता चला कि आप कोई भी बिल ला रहे हो कि आपकी सहयोगी पार्टी ही उससे खुश नहीं है, वो भी तो एक चैलेंज है भाई, है ना, वो भी तो एक राजनीति का हिस्सा हो गया। अब देखो कानून बनाने की प्रक्रिया से पहले जो है उस कानून के लिए जो है मंत्रिमंडल में इस बात पर जो है विचार किया जाता है, भाई देखो कानून बनने से पहले क्या होता है, जैसे मान के चलो होता है जो भी मंत्रिमंडल वगैरह होते हैं, जो भी मंत्री वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस जो बिल है बेसिकली वो आपस में डिस्कस भी करते हैं, जो भी मंत्रिमंडल वगैरह हैं, जो जैसे मंत्री होगा तो इनके बहुत सारे क्या होते हैं, इनके बहुत सारे एडवाइजर वगैरह होते हैं, उनसे जो है ये क्या करते हैं सलाह मशवरा लेते हैं, पूरा डिस्कशन वगैरह होता है, उसके बाद जो है वो बिल पास किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ इसमें भाई, हाँ हाँ, अब यहां पे एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है कि संसद में कैसे जो है ये धन विधेयक बिल पास होता है। अच्छा, अब यहां पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सबसे, कि सर ये जो धन विधेयक बिल होते हैं ना ये पास कैसे होते हैं, तो मैंने बताया था भैया धन विधेयक जो बिल होते हैं, मैंने डिटेल में बता दिया है, धन विधेयक जो बिल होते हैं इन्हें पास करने का तरीका क्या होता है भैया, देखो ये जो धन विधेयक बिल होते हैं ये साधारण बिल नहीं होते। अब धन विधेयक की बात है तो धन जो है सरकार को कौन देता है, आम जनता देती है, तो सबसे ज्यादा हक किसका हुआ, लोकसभा का भाई, है ना। लोकसभा क्या है भाई, डायरेक्टली जो है जनता के द्वारा चुनी जा रही है, तो धन विधेयक जो होते हैं वो सिर्फ लोकसभा में ही पास होते हैं, राज्यसभा में जो है पास नहीं होते। पहले क्या होता है, पहले जैसे कोई भी साधारण बिल होता है पहले वो कहां जाता है, पहले वो जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्यसभा में पास हो जाएगा, लोकसभा में पास हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि कितनी जो है यहां पे बहुमत चाहिए, है ना। कभी किसी बहुत सारे केसेस होते हैं उसमें साधारण में हो जाता है, मतलब 50% से ज्यादा, 51%, बहुत सारे होते हैं उसमें 75% चाहिए होती है, है ना। तो वो सारी जो चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे जो है बात हो रही है धन विधेयक की। तो धन विधेयक जो है सिर्फ अगर लोकसभा में पास हो जाता है तो उसे पास हुआ मान लिया जाएगा, राज्यसभा में जाने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा में जाता है वो परामर्श के लिए जाता है, रिकमेंडेशन के लिए जाता है, कि आपको कोई भी अगर इसमें सलाह देनी है, कुछ चेंज करने हैं, तो उसके लिए 14 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर 14 दिन में कुछ रिकमेंडेशन वगैरह देती है अगर राज्यसभा, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि लोकसभा को माननी पड़ेगा, लोकसभा नहीं भी मान सकती है, है ना। इन केस अगर लगता है कि 14 दिन का दिन ऐसे दिया जाता है कि इन केस अगर कुछ कमी वगैरह रहेगी तो शायद लोकसभा उस पर विचार कर ले, है ना, शायद लोकसभा जो है उस पर विचार कर दे, लेकिन वो बाध्य नहीं होता। अगर मान के चलो 14 दिन में डिसाइड नहीं कर पाए तो मान लिया जाएगा बिल पास हो गया, है ना, वो मान लिया जाएगा बिल जो है पास हो चुका है। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर मैं बात करूं धन विधेयक की, तो इसमें जो है लोकसभा के द्वारा ही पास किया जाता है, लोकसभा के पास ही जो है शक्ति होती है इसको पास करने की, बाकी सब तो दिखावट की है। ठीक है, तो देखो धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही शुरू हो सकता है। जब लोकसभा जो है धन विधेयक को पास कर देती है तो इसको जो है राज्यसभा में सिफारिश के लिए, है ना, मतलब रिकमेंडेशन या सिफारिश के लिए जो है भेजा जाता है। इनको जो है 14 दिन के भीतर जो है अपनी सिफारिश को लेकर जो है लोकसभा को जो है लौटा देते हैं। यह लोकसभा की मर्जी पर निर्भर करता है कि भैया लोकसभा की मर्जी होगी तो कुछ बदलाव हो सकते हैं जो भी इन्होंने सिफारिशें दी है, अन्यथा इन पर बाध्य नहीं है वो चीज, ठीक है, जो राज्यसभा ने बोली है। यदि लोकसभा जो है राज्यसभा की सिफारिशों को जो है मान लेता है तो यह समझा जाएगा कि धन विधेयक जो है उन राज्यसभा की जो है उन सुधारों के साथ दोनों सदनों ने जो है पास कर दिया है। मतलब क्या होगा, इन केस अगर कोई भी सिफारिश दी जाती है राज्यसभा द्वारा और वो लोकसभा मान लेती है तो यह माना जाएगा कि दोनों सदन जो है इस पर मंजूर हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, देखो
यदि राज्यसभा की सिफारिश जो है लोकसभा स्वीकार नहीं करती तो यह समझा जाएगा कि धन विधेयक जो है लोकसभा द्वारा पास किए गए हैं कि पास किए गए रूप में जो है दोनों सदनों के द्वारा पास किया गया है। मतलब फिर भी यही माना जाएगा कि दोनों सदनों ने जो है पास कर दिया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा ही जो है इसे पास कर सकती है। ठीक है, चलिए अब राज्यसभा को जो है 14 दिन के भीतर है ना ये बिल को जो है नहीं लौटाया तो ये मान लिया जाएगा कि बिल जो है दोनों सदनों में जो है पास हो गया है, है ना। चलिए अच्छा अब बात आती है लास्ट में राष्ट्रपति की कि कोई धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास जो है मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, है ना। अब होता है क्या एंड में किसके साइन होते हैं, मैंने बताया एंड में जो है राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति के पास जो है साइन होते हैं। अब यहां पे एक चीज याद रखना, मान के चलो कि राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति अब तक साइन नहीं करेगा तो वो एक्ट नहीं बनेगा, वो कानून नहीं बनेगा। अब जैसे जो साधारण विधेयक होते हैं, जो साधारण बिल होते हैं, वो जब राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है अगर उसे ऐसा कुछ लगेगा कि इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं तो कुछ सिफारिश दे देता है कि और बोलता है कि भैया एक बारी और सोचो, लोकसभा राज्यसभा दोनों से बोलता है एक बारी और सोच लो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, तो वो रिकमेंडेशन के लिए भेज सकता है। लेकिन जब दोबारा से वो बिल आएगा उसके पास तो दोबारा जो आएगा ना वो उसे पास ही करना पड़ेगा। ये किसके केस में है, ये जो है साधारण विधेयक के केस में है। लेकिन अगर मैं बात करूं मनी बिल की, अगर मैं धन विधेयक की बात करूं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है राष्ट्रपति को जो है पुनर्विचार करने भी नहीं दिया जाएगा। जैसे साधारण विधेयक होते हैं ना उसमें तो राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तो पुनर्विचार भी नहीं हो सकता, इसमें तो जो है उसे मंजूरी देनी ही पड़ेगी, अपने साइन जो है करने ही करने पड़ेंगे। अब हम थोड़े से जो पुराने टॉपिक मतलब जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं और इनकी जो है एंड करेंगे, इस चैप्टर को जो हम एंड कर देंगे, जो है हम खत्म कर देंगे। जैसे बहुत सारी चीजें जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि शून्यकाल के बारे में और प्रश्नकाल के बारे में, ठीक है ना। शून्यकाल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ और प्रश्नकाल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, शून्यकाल और प्रश्नकाल। अच्छा ये शून्यकाल क्या है, प्रश्नकाल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब क्या होता है, जब संसद में जो है कोई भी नियम कानून पास होता है तो यहाँ पे जब कोई भी नियम कानून पास हो रहा होता है तो कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर बेटा लाइक वाइक कर देना बेटा, ठीक है जो भी आ रहा हो, वैसे तो कोई दिख नहीं रहा मेरे को, 4 व्यूअर हो गए हैं, जितना हो सके उतना शेयर कर दो इसे, पढ़ाने में तभी मजा आता है जब लोग ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, देखो शून्यकाल और प्रश्नकाल की हम बात करें तो देखो यहाँ पर क्या है बेसिकली, ये यहाँ पे हम क्वेश्चन आवर होता है बेसिकली, है ना। शून्यकाल की हम बात करें तो जीरो आवर बोलते हैं और प्रश्नकाल की हम बात करें इसे हम क्वेश्चन आवर बोलते हैं। इसमें जो भी रेजोल्यूशन वगैरह पास हो रहा होता है उस पर जो है कोई भी मेंबर जो है वो क्या पूछ सकता है, वो अपने प्रश्न पूछ सकता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं प्रश्नकाल, है ना। तो अगर मैं बात करूं प्रश्नकाल के बारे, सबसे पहले प्रश्नकाल के बारे में बात कर लेते हैं, तो प्रश्नकाल क्या है, तो प्रश्नकाल जो है संसद के अधिवेशन के समय जो है, जब भी संसद में अधिवेशन होता है ना, जब भी सेशन हो रहा होता है कि समय जो है प्रतिदिन जो है एक अवधि आती है जिसमें जो है मंत्रियों को जो है संसद सदस्यों के तीखे प्रश्नों के जो है जवाब देने पड़ते हैं। मतलब जो भी मंत्री है, मंत्री मतलब कौन मंत्री, जो भी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद है, तो एक समय ऐसा आता है जब क्या होता है भाई, जब जो है यहां पर जो मंत्रिपरिषद है उनको उनसे जो है तीखे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके द्वारा, जो दूसरे मंत्री हैं, जो दूसरे सांसद हैं, जो दूसरे सांसद हैं उनके द्वारा जो है यहां पर तीखे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं, तो मंत्री लोगों से जो है, मंत्री जो है माने कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के जो भी मंत्री हैं उनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया प्रश्नकाल, है ना। तीखे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं उसका जवाब भी देना पड़ता है इस अवधि में जो है, इस अवधि को हम क्या बोलते हैं, इस अवधि को जो है हम प्रश्नकाल बोलते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्नकाल जो है अक्सर दोनों सदस्यों की बैठक की सर्वाधिक हलचल वाली अवधि है। मतलब प्रश्नकाल की हम बात करें तो प्रश्नकाल क्या है, तो प्रश्नकाल जो अक्सर दोनों सदनों की जो है बैठक की सर्वाधिक हलचल वाली अवधि है, क्योंकि इसमें सवाल जवाब पूछे जाते हैं, इधर से सवाल पूछे जा रहे हैं उधर से जवाब आएगा, और ये भी 2-3 तरह के होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको हम डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़ सकते यहाँ पे, एक तो स्टार हो गया, नॉन स्टार हो गया और नोटिस वाला हो गया, तो ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक में क्या होता है, आप लिखित रूप से पूछते हो क्वेश्चन, आप लिखित रूप से क्वेश्चन पूछोगे आपको लिखित रूप से आंसर मिलेगा, एक में आप ओरली जो है आप क्वेश्चन पूछते हो ओरली आपको आंसर मिल जाता है, एक में आप जो है 12 दिन का नोटिस देते हो, 12 दिन के अंदर अंदर जो है उसको जवाब देना पड़ता है, तो ये सारे जो इसके टाइप्स होते हैं बेसिकली। तो इसमें होता क्या है, इसमें यही होता है कि प्रश्नकाल में कि यहां पर जो सांसद होते हैं, जो विपक्षी पार्टी के नेता वगैरह होते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं, जब जो कोई भी रेजोल्यूशन पास हो रहा होता है, कोई भी मान के चलो बिल आ रहा होता है, तो उसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसे हम बोल देते हैं प्रश्नकाल। अच्छा प्रश्नकाल मंत्रियों को जो है एकदम जो है सजग रखता है, यह सरकारी अन्याय तथा ढील के प्रति जो है एक महत्वपूर्ण संरक्षण है। मतलब जो भी एक सरकार की जो भी ढिलाई होती है ना कि सरकार कभी कभी ढिलाई दे देती है, तो जो प्रश्न पूछ के जो है सरकार से यहाँ पे हम जवाब मांगते हैं। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है भाई यहाँ पे शून्यकाल, शून्यकाल होता है इसे हम बोलते हैं जीरो आर, है ना। तो ये देखो ठीक जो है प्रश्नकाल के बाद वाला जो पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जो है शून्यकाल बोलते हैं। ये कब शुरू होता है, तो ये 12 बजे के पश्चात शुरू होता है, 12 बजे के बाद, ठीक है। परंतु प्रश्नकाल के तुरंत बाद क्या होता है, 12 बजे जो है आरंभ हो जाता है। वैसे मतलब प्रश्नकाल कब तक, कब से चलता है, तो ये 12 बजे तक चलता है, 12 बजे तक जो है प्रश्नकाल चलता है। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद जो है ये शून्यकाल आरंभ हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो है शून्यकाल में जो है उसे हम शून्यकाल बोला जाता है। शून्यकाल में होता क्या है, तो इसमें जो है यहां पर
यहां पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पर जो है बहुत ही तीखे प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब यहां पर जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका जो है उसको पहले से पता होता है, मतलब मंत्रियों को पहले से पता होगा क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर शून्यकाल की हम बात करें, यहां पर इन्फॉर्मली जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही तीखे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी ये जो शून्यकाल जो होता है ये काफी आप बोल सकते हो काफी आप बोल सकते हो ये काफी टफ होता है ना मंत्रियों के लिए, कि इसमें जो है बहुत ही भयभीत क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, तो इसे हम शून्यकाल जो है बोल देते हैं। ठीक है ना, चलिए स्थगित या काम रोको प्रस्ताव की हम बात करें, तो भाई स्थगित या काम रोको प्रस्ताव की हम बात करें तो ये क्या है भाई, तो सदन जो है समस्त अंधकार छोड़कर जो है तथा तत्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामले पर जो है विचार विमर्श शुरू करे, ऐसे प्रस्ताव को जो है स्थगित या काम रोको प्रस्ताव बोलते हैं। मतलब होता है क्या, जब जैसे कोई भी हमें चीज कोई भी बहुत जरूरी चीज है, मैंने बहुत जरूरी कोई भी रेजोल्यूशन है उसको पास करवाना है या फिर कुछ बहुत ही जरूरी चीज पर जो है डिस्कशन करना है, तो उसके केस में क्या होता है भाई, उसके केस में जो है यहाँ पर सारे काम छोड़कर पहले उस पर ध्यान दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्थगित या काम रोको प्रस्ताव बोल देते हैं, है ना। सदन समस्त अन्य कार्य छोड़कर तथा तत्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामले पर जो है विचार विमर्श शुरू करे, ऐसे प्रस्ताव को जो हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्रस्ताव को हम स्थगित या काम रोको प्रस्ताव बोलते हैं। यानी कि जो भी अलग जो अन्य काम कर रहा है सदन में, जो भी अन्य काम हो रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा और जो है दूसरे जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दूसरे जो है कामों को ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्नकाल की विशेषता क्या है, देखो पहले क्या है, देखो प्रश्नकाल जो है सरकार की कार्यपालिका और प्रशासनिक एजेंसियों पर जो है निगरानी रखने का जो है सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। सबसे बड़ी बात क्या है, आप जब सामने वाले से सवाल कर रहे हो तो उसको उसका काम क्या है, आपको जवाब देना है ना। तो यहाँ पर जो है सरकार से सवाल जवाब पूछ के यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज बढ़िया हो रही है कि यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है सरकारों पर। संसद के इस अवधि में जो है मंत्रियों से उनके जो है कार्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए जो है यह गहरी रुचि वाला अवधि है ना। यहाँ पर क्या होता है भाई, मंत्री जो भी काम कर रहे हैं, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो तो आप जवाब दे ही हो, तभी तो हम बोलते हैं ना कि एक लोकतांत्रिक सरकार कैसी सरकार होती है, एक जवाबदेही सरकार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला जाता है बेसिकली कि भैया ये जो संसद के जो लोग काम कर रहे हैं इनको जो है जवाब देना होता है। ठीक है, लोकहित के लिए है ना, अब बात करें देखो लोकहित के लिए जो है प्रश्नकाल की अवधि जो है अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता से जुड़े समस्याओं पर जो है सवाल पूछे जाते हैं और इन मुद्दों पर जो है सूचना मांगी जाती है। तो भैया लोकहित के लिए बताएं, अगर हम लोगों की बात करें, लोकहित मतलब जो आम लोग हैं उनके हित के लिए बात करें, तो ये जो प्रश्नकाल होता है, जो शून्यकाल जो होता है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनके ही भलाई के लिए जो है यहाँ पर जो विपक्षी दल होता है वो प्रश्न पूछता है सरकार से। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण, संसद पर क्या होता है भाई, जो कार्यपालिका होती है उसका नियंत्रण होता है। संसद पर क्या होता है, कार्यपालिका पर जो है संसद का जो है कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका कौन, तो कार्यपालिका मतलब नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी सरकार, जिसकी सरकार है वो कार्यपालिका है। ठीक है, जो नियमों को लागू करवा रही है। तो देखो लोकसभा में जो है बहुमत वाले दल या गठबंधन के सदस्य मिलकर जो है संसदीय लोकतंत्र में जो है कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। तो ये तो आप समझ गए होगे भाई कार्यपालिका क्या है, जो जिसकी जो दल जो है बहुमत में है, जिसको ज्यादा सीटें मिली हैं, या फिर जो गठबंधन में मिलकर सरकार बना रहा है वो क्या करेगी, वो जो है कार्यपालिका का निर्माण करेगी। ऐसा हो सकता है कि बहुमत की ताकत जो है पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे, जिससे जो है मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही करना मानना पड़ेगा, इसलिए जो है कार्यपालिका पर जो है नियंत्रण की आवश्यकता है। समझ में आया, यानी कि यहां पर क्या बोला गया है, ऐसा भी हो सकता है यहां पर बहुमत मिलने के बाद ये जो मंत्री लोग हैं ये अपने मन की करने लगे, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो क्या पता ये अपनी मन की करें। ठीक है, तो अपनी मन की करेंगे तो उससे रोकने के लिए यहां पे क्या कर दिया गया है, यहां पे जो संसद है वो क्या करेगी, वो जो है इन पर नियंत्रण भी रखेगी। ठीक है ना, संसद अनेक विधियों के प्रयोग द्वारा जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। बहुत सारी विधियां हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, आप जो है कार्यपालिका पर जो है नियंत्रण कर सकते हो, जैसे कि भैया बहस और वाद विवाद के द्वारा। भैया होता है ना, आपने देखा होगा संसद में जब कोई भी बिल वगैरह पास हो रहा होता है, कोई भी विधेयक वगैरह आता है, तो उस पर प्रॉपर बहस होती है, चर्चाएं होती है, तो उसकी हम बात करें तो देखो बहस और वाद विवाद के द्वारा, मतलब प्रश्नकाल में जो है संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों से कार्यपालिका की जवाबदेही तय होती है। जैसे प्रश्नकाल की हम बात करें, अभी जस्ट हमने पढ़ा है प्रश्नकाल में क्या होता है, जो संसद होते हैं वो मंत्रियों से, जो मंत्रिमंडल है उनका है ना, जो भैया कार्यपालिका है उनसे सवाल जवाब करता है कि भैया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करने से ये हो जाएगा, तो ये सब जो है यहां पर इन्हें उसके आंसर देने होते हैं। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर जो है निगरानी रखने का काम करता है। तो पहली बात है बहस और विवाद से, दूसरा क्या है, कानूनों को मंजूरी देने या ना मंजूर देने का अधिकार भी संसद के पास है। हाँ, संसद के पास क्या भाई, कानूनों को मंजूरी देने या ना मंजूर देने का अधिकार भी किसके पास होता है, संसद के पास होता है। भैया कोई भी बिल आता है तो पहले लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा, उनमें पास होगा, उसमें भी डिपेंड करता है भैया कि भैया 50% से ज्यादा वोटिंग चाहिए या फिर 75% से ज्यादा चाहिए। वैसे ज्यादातर केसों में जो है कानून पास हो ही जाते हैं,
क्योंकि क्या होता है भैया, बहुमत में इसकी सरकार है। अब तो जैसे हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की सरकार तो लोकसभा में भी बहुमत में है, और मेरे को लगता है राज्यसभा में भी काफी सारी सीटें हैं। तो वो मतलब ये सब दिखावे का होता है कि चलती तो उनकी है जिनकी सरकार होती है, देखो है ना, तभी तो लोग चाहते हैं उनकी सरकार बन जाए। लेकिन यहाँ पर कानूनों को मंजूरी करने का जो अधिकार भी संसद के पास होता है, इस अधिकार के द्वारा जो है संसद कार्यपालिका पर जो है नियंत्रण करता है। सरकार के कार्यों के लिए जो है वित्तीय संसाधनों की जो है व्यवस्था बजट के द्वारा होता है, जिस बजट को पास करवाने के लिए जो है कार्यपालिका को संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। भैया जो बजट पास होता है ये भी किसके द्वारा होता है, ये भी संसद की मंजूरी द्वारा होता है। यही कारण है कि विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर जो है नियंत्रण करने का जो अवसर मिल जाता है। ये बेटा सब कहने की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जिसके पास एक बात होता है बहुमत है। अभी जैसे हम बात करें बीजेपी के पास कितनी बहुमत है, तो करीबन 300 से ऊपर सीटें हैं बीजेपी के पास, है ना। तो वो तो हर जो चीज कानून जो चाहेंगे वो पास करवा ही लेंगी, वो तो है ना, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कई बारी जो है संसद अविश्वास प्रस्ताव, हाँ ये बहुत जरूरी है, कई बारी संसद क्या है अविश्वास प्रस्ताव जो है आप बोल सकते हो ये पास कर देता। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे हम। कई बारी संसद जो है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जो है अल्पमत की सरकार को त्यागपत्र देने के लिए जो है मंजूरी दे देता है। ऐसा तब होता है जब अपने ही गठबंधन के सदस्यों को जो है अपनी सरकार पर विश्वास नहीं होता। समझ में आ गया? ये देखो अविश्वास होता क्या, सुनो अविश्वास का मतलब समझ लो। देखो अविश्वास का होता क्या है कि देखो कई जैसा अविश्वास जो प्रस्ताव होता है बहुत कम होता है, वैसे तो बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है कि जब सरकार जो है अपनी जो मेजोरिटी होती है वो लूज कर देती है, यानी कि सरकार के पास जो बहुमत है उसको सरकार खो देती है, तब यहाँ पे जो विपक्षी दल होता है वो क्या पास करता है, वो अविश्वास जो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित करता है। इसमें क्या होता है जब पूरे जो टोटल जो संख्या है ना उसका जो 51% जो लोग हैं वो सरकार के अगेंस्ट वोट दे देंगे कि हाँ ये जो है सरकार चलाने लायक नहीं है, तो उस सरकार यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री का जो और उनका जो मंत्री परिषद है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसको मतलब त्यागना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। ये नियम होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मतलब यहाँ पे क्या है अविश्वास प्रस्ताव, क्या है यहाँ पर जो इनकी मान के चलो ऐसा मतलब अविश्वास प्रस्ताव जो होता है कब कब जारी किया जाता है, जैसे मान के चलो कोई सरकार बनी है ना, सरकार बनी और ये गठबंधन की सरकार है मान के चलो, है ना, दो तीन पार्टियों ने जो है मिलकर सरकार बनाई है। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पर जो है कोई एक पार्टी जो होती वो नाराज हो गई, इसके पास 20 सीटें थी है ना, और यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे हुआ ये था कि भैया इनकी सरकार बनाने के लिए इस पार्टी का सहायता ली गई थी। अब इसके जो 20 जो एमपी हैं वो सरकार के खिलाफ हो गए भाई, और उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट कर दिया कि भैया हम भी चाहते हैं सरकार बदले। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पर जो है ये जो पूरी सरकार जो बनी है गठबंधन से, तो वो तो अपनी जो बहुमत होगी वो खो देगी। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो ये प्रस्ताव पास हो गया अगर 51% मिल गए वोट है, तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी हैं और उनके जो मंत्री परिषद है उन सबको जो है रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये होता है अविश्वास पत्र। अविश्वास नाम से लग रहा है, जब सरकार पर विश्वास उठ जाता है तो यहाँ पर जो है अविश्वास पत्र जो है आप बोल सकते हो जारी किया जाता है। तो अविश्वास पत्र जो है वैसे बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से। अभी जैसे बात करें अभी तो हो ही नहीं सकता। एक बात होता कैसे होगा, मेजोरिटी में कौन है, बहुमत में कौन है, बीजेपी की सरकार है, तो ये बीजेपी की सरकार के जो मंत्री होंगे वो क्यों देंगे, है ना, वो क्यों देंगे अपनी सरकार के खिलाफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा होता है बेसिकली कि यहाँ पर जो है बहुत कम होता है ऐसा, प्रैक्टिकली तो ऐसा बहुत कम, मतलब हुआ तो कई बार ही है लेकिन अभी जो है नहीं हो सकता। बहुमत में जब सरकार होती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ना के बराबर होते हैं चांसेस, ठीक है ना। चलिए तो ये मैंने अविश्वास प्रस्ताव के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, देखिए आप पढ़ सकते हैं। तो जब कोई सरकार या कार्यपालिका लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो विपक्ष या उसके नेता सदन में जो है एक प्रस्ताव लाते हैं। मतलब जैसे क्या हुआ, यहाँ पर गठबंधन की सरकार थी, है ना, गठबंधन की सरकार थी, तीन सरकारों ने मिलकर जो है यहाँ पर तीन दलों ने मिलकर जो अपनी सरकार बनाई, लेकिन इसमें एक कोई सरकार जो एक कोई दल है वो नाराज हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पर वो सपोर्ट नहीं करेगा, अपनी सीटें वापस ले लेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है सरकार यहाँ पे गिर जाएगी, है ना। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पर अविश्वास पत्र जो है जारी किया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो है जारी किया जाएगा, जिसमें 51% वोटों की आवश्यकता होगी। अगर ये पास हो जाता है बेटा तो सरकार को जो है हटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं संसदीय समितियों के बारे में कि संसद जो होती है भैया, संसदीय समितियों की हम बात करें तो संसद में भी क्या होती है भैया, अलग अलग समितियां होती हैं, अलग अलग जो समितियां होती हैं, है ना। जैसे कि भैया वित्तीय समितियां, जैसे इन समितियों का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अलग अलग कमेटीज बनाई जाती हैं। जब कोई भी बिल वगैरह पास होता है तो कमेटीज बना दी जाती हैं, है ना, एडहॉक कमेटी, परमानेंट कमेटी, में बताया था ना, एडहॉक कमेटी के बारे में बताया था, स्टैंड आउट कमेटी के बारे में बताया था, एडहॉक कमेटी के बारे में बताया था, स्थायी और अस्थायी कमेटी के बारे में बताया था ना मैंने कि भैया वो ये कमेटी क्या करती है। तो सरकार के पास इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं होती, जो मंत्री वगैरह हैं इनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, पढ़े लिखे लोगों की, जो आईएएस वगैरह होते हैं, जो बहुत उच्च पद के लोग होते हैं, उनकी एक कमेटी बना देते हैं, और अगर कोई भी बिल वगैरह पास किया जा रहा है तो उस बिल पे पहले पूरी चर्चा होती है, पूरी रिसर्च होती है, उसके बाद जो है यहाँ पर एक पूरा बिल बना के प्रेजेंट किया जाता है। तो उसके लिए अलग अलग कमेटी बना दी जाती है, जैसे जितने भी भाई वित्त से संबंधित मसले हैं तो उसके लिए वित्तीय समितियां बनाती है ना, जैसे लोक सेवा समिति हो गई, लोक लेखा समिति, जैसे भारत सरकार के विभिन्न विभागों का जो है खर्च नियम अनुसार
हुआ है या नहीं हुआ है इसके लिए लेखा जोखा रखती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? लोक लेखा समिति के बारे में, यानी कि सरकार ने जो भी खर्चे किए हैं उसका लेखा जोखा इस समिति के पास है, है ना। प्राकलन समिति, खर्च में जो है किफायत किस तरह से की जा सकती है, मतलब किस तरह से हम अपने खर्चे को बचा सकते हैं, सरकारी खर्चे को बचा सकते हैं। लोक उपक्रम समिति, ये क्या है भाई? तो सरकार उद्योगों की रिपोर्ट की जांच कराती है कि उद्योग का व्यवसाय कुशलता पूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं, है ना। जो भी उद्योग हो रहे हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो पूरी चेक करवाती है कि उद्योग जो भी चल रहे हैं उनकी जांच करवाती है कि उद्योग का जो है विकास ठीक से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये सब क्या है भाई? ये वित्तीय समितियां हैं, है ना। विभागीय स्थायी समिति, तो यह कृषि संबंधित, तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, जो भी संबंधित जो समितियां होती हैं इसके लिए बनाई जाती हैं। संयुक्त संसदीय समिति, तो इन समितियों में जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति का गठन जो है किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितता की जो है जांच के लिए किया जाता है। संयुक्त संसदीय समिति, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं जॉइंट सेशन, है ना, इसे याद रखना। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम जॉइंट सेशन बोलते हैं, है ना। ये इसमें क्या होता है, इसमें दोनों सदन के लोग जो है, अगर मान के चलो लॉकआउट हो जाता है, मतलब कहीं भी पास नहीं हो पाता बिल, तो ऐसे में क्या होता है, जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, है ना। राष्ट्रपति के द्वारा जो है जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। इस केस में क्या होता है भैया, इस केस में जो है दोनों सदन के जो लोकसभा राज्यसभा की एक ही उसमें बैठते हैं, और उसमें फिर जो है वोटिंग की जाती है 51% या फिर 75% जो भी मसला हो, अलग अलग वोटिंग होती है। 51% से ऊपर जो साधारण मसले होते हैं उसमें से 51% ही चाहिए होता है, तो 51% से ऊपर अगर वोटिंग हो जाती है तो वो बिल पास हो जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको इतना जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक आखिरी बचा हुआ दल बदल। अच्छा, दल बदल क्या होता है? दल बदल कानून क्या होता है भैया? सुनो, इसे डिफेक्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ डिफेक्शन। अब होता क्या था भाई, पहले जब चुनाव होते थे, पहले की हम बात करें तो होता ये था कि यहां पर जो जो एमपीज वगैरह हुआ करते थे ना, ये पार्टी बदल लिया करते थे, पार्टी मतलब ये पार्टी चेंज कर लिया करते थे, किसी दूसरी पार्टी में चले गए, तो इससे क्या होता था, इसे बोलते थे हम दल बदल। मतलब यहां पर जो नेता वगैरह हैं, जो एमपीज वगैरह जो होते हैं, वो एमपीज एमएलएज वगैरह होते हैं, क्या कर लेते हैं, वो पार्टी चेंज कर लेते हैं, जैसे किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। जैसे कोई भी वोटिंग वगैरह हुई तो किसी पार्टी ने अपनी पार्टी को वोट ही नहीं दिया, है ना। तो पहले ये चीजें बहुत होती थी, जो संसद वगैरह हुआ, सांसद वगैरह हुआ करते थे, ये पार्टियां वगैरह बहुत बदला करते थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एक नियम ला दिया गया, 1985 में आया था शायद ये नियम, और ये इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि भैया उनके नेता कहीं छोड़ के ना चले दूसरी पार्टी में। तो आप किसी पार्टी का अगर हिस्सेदार हो और अगर आप किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हो तो वो किस में आएगा, मतलब बीच में ही आप जो है किसी पार्टी, सदन के बीच में जो आप किसी पार्टी के को ज्वाइन कर लेते हो, तो ये क्या माना जाएगा, ये जो है दल बदल माना जाएगा, और इसमें क्या होगा, आपकी जो सदस्यता जो होगी वो खत्म कर दी जाएगी, ठीक है ना। और इसमें जो है क्या किया गया था, संविधान को संशोधन करके जो है यहां पर ये बिल लाया गया था, उसको पास करवाया गया था, ठीक है ना। क्योंकि ये बिल 1985 तक तो पास ही नहीं हो पाया भाई, क्योंकि 1985 में जो है राज्यसभा की हम बात करें, उसमें जो है पास नहीं हो पाया राज्यसभा, लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में बहुमत नहीं थी, तो कांग्रेस ने पास नहीं करवाया। तो 1985 में फाइनली जब कांग्रेस की सरकार थी तब यहां पर पास हुआ था। यदि कोई सदस्य जो है अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद जो है सदन में उपस्थिति ना हो, या दल के निर्देश के विपरीत जो है सदन में मतदान करे, है ना, यानी कि आप किसी बीजेपी की थे, आप थे बीजेपी के, लेकिन आपने किसमें वोट कर दिया, आपने जो है वोट कर दिया कांग्रेस में, है ना, तो ये क्या होगा, ये दल बदल माना जाएगा। ये मतलब ये क्या होगा, ये पार्टी के खिलाफ आपने क्या किया, ये बेसिकली आप पार्टी के लिए लॉयल नहीं हो, वफादार नहीं हो, तो ये माना जाएगा दल बदल निरोधक कानून, है ना। ये डिफेक्शन लॉ लाया गया संविधान के 52वें संशोधन में। कौन सा संशोधन हुआ था याद रखना, 52वां संशोधन, यानी कि संविधान को संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 52वां संशोधन किया गया है 1985 में, याद रखना, है ना। एक कानून बनाया गया जिसके द्वारा जो है सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के जो है व्यवहार के नियंत्रण में करेगा, है ना। यानी कि आप कुछ भी करते हो, आप अगर अपना दल बदलते हो, या फिर आप क्या करते हो, आप जो है अलग वोटिंग वोट देते हो, तो इस केस में जो आपको हटा दिया जाएगा। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। यदि यह सिद्ध हो जाए कि कोई सदस्य ने जो है दल बदल किया है, तो उसकी सदन से सदस्यता समाप्त हो जाएगी, है ना। ऐसे दल बदलू को जो है किसी भी राजनीतिक पद के लिए जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। मतलब कि आप अपनी पार्टी के लिए लॉयल नहीं हो, अपने पार्टी के लिए वफादार नहीं हो, तो अगली पार्टी के लिए क्या वफादार होगे, तो उसे जो है क्या कर दिया जाता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है ना। ऐसे जो दल बदलू लोग होते हैं उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये सारी जो चीज थी वो किसकी थी भाई, वो थी दल बदल कानून की। फटाफट से बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ, है ना। इसी के साथ जो हमारा पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है, पूरा चैप्टर जो है फिनिश हो गया हमारा, ठीक है। पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया है, क्लियर है। चलिए, तो भाई आई होप आपको जो है ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना। अब हम करते हैं एंड इस क्लास का, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।